तो हमारा पहला चैप्टर जो है बेसिकली वेक्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर किसी वेक्टर चैप्टर देखा जाच्छे ना? ना सर। बेटा सर, अच्छा एक मिनट रुकिए। अभी दिख रहा है? यस सर। हमारा पहला चैप्टर जो है बेसिकली वेक्टर्स है। वेक्टर्स पूरा बेस ऑफ यू नो फिजिक्स कह सकते हैं आप, पूरा बेस है फिजिक्स का, क्योंकि अगर आप वेक्टर्स चैप्टर समझते हो तो आगे का जर्नी बेसिकली आसान होगा। इसलिए मैंने पहला चैप्टर वेक्टर्स ही चूज किया आपको पढ़ाने के लिए। सबसे पहली चीज है कि नो कि वेक्टर्स से आप मीन क्या करते हैं। जैसे आपको बेसिक डेफिनेशन तो पता है कि नो कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। सो अ क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विल बी जनरली कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। बट यू नो जब आप ये बोलते हो तो आप क्या मीन करते हो। जैसे आप सपोजली आप कहते हो नो कि जैसे सपोजली यू नो कि मैं ऐसा सिचुएशन कह रहा हूँ, जैसे इमेजिन करो कि जैसे आप कोई एक यू नो डायरेक्शन जो है वो आप ऑलरेडी स्पेसिफाई कर देते हो। यू नो जैसे आपके पास ऑलरेडी डायरेक्शन स्पेसिफाई करने का तरीका पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सब कॉमन चीजें हैं। जैसे नॉर्थ इधर मार्क कर दिया, इधर साउथ मार्क कर दिया, इधर वेस्ट मार्क कर दिया, इधर ईस्ट मार्क कर दिया। अब कोई भी एक वेक्टर को आप यू नो जब रिप्रेजेंट करते हो तो किसी ना किसी एक डायरेक्शन में होता है। जैसे अगर मान लो कि कोई चीज इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो आप यू नो इस तरफ जा रही है मतलब कि ये मान लेते हैं 30 degrees नॉर्थ ऑफ ईस्ट जा रही है। अ पर्सन वॉक्स, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, अ पर्सन वॉक्स 30 degrees नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहने का मतलब क्या है कि ईस्ट से अगर आप नॉर्थ की तरफ चलोगे तो 30 degrees आपको जाना पड़ेगा। तो ये लाइन को अगर इधर से देखोगे तो ये वाली एंगल बेसिकली आपकी 30 degrees होना चाहिए। 30 degrees नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 degrees होना चाहिए। तो ये उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मतलब इंसान जो होगा वो कुछ ऐसा चल रहा होगा, इस तरफ चल रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन आप स्पेसिफाई कर रहे हो। तो डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए कोई भी एक तरीका होता है, जैसे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये तो बेसिकली आप डायरेक्शन बोल रहे हैं, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ये सब डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। लैंग्वेज बेसिकली है सब डायरेक्शन स्पेसिफाई करने का। तो इसमें क्या होती है, एक तो डायरेक्शन आप स्पेसिफाई कर रहे हैं बट दूसरा आप साथ में मैग्नीट्यूड भी स्पेसिफाई करते हैं। अब जैसे अ पर्सन वॉक्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट विथ अ स्पीड ऑफ 10 meters per second, ऐसा उसने बोला। तो इस केस में आप ये जो डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हो आप बोलोगे इधर 10 meters per second से ये जा रहा है। तो 10 meters per second जो है वो मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो एरो मार्क कर रखा है आपने यू नो 30 degrees नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ, तो इस ये एरो मार्क बेसिकली उसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है। तो हर एक वेक्टर के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही स्पेसिफाई करना पड़ता है। अगर आप कोई भी एक डेटा को नहीं देते तो फिर वो ये डिस्क्रिप्शन जो है वो इनकम्प्लीट हो जाता है। जैसे अगर एक इंसान बोल दे 10 meters per second से जा रहा है, बट 10 meters per second से जा रहा है तो उसको मुझे अगर पकड़ना है तो डेटा इनसफिशियंट है, क्योंकि 10 meters per second से अगर वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है और मैं साउथ की तरफ 10 मीटर मतलब भागना शुरू कर दूं उसको पकड़ने के लिए, तब तो मैं नहीं पकड़ पाऊंगा उसको। तो मुझे अगर उसको पकड़ने का है तो फिर उस केस में मुझे एग्जैक्टली ये भी पता होना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो डायरेक्शन भी आपको स्पेसिफाई करना मैंडेटरी कंडीशन हो जाता है। सो अ डायरेक्शन स्पेसिफिकेशन इज मैंडेटरी अलॉन्ग विद द यू नो मैग्नीट्यूड। बट कोई भी एक ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप स्पेसिफाई कर देते हो तो उसको बट उसमें आप करंट का जो डायरेक्शन बोलते हो वो अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर बोलते हो, कि जैसे बोलते हो कि नो कि वायर में ए से बी की तरफ जा रहा है या से ए की तरफ जा रहा है, ऐसा बोलते हो। तो उस केस में जैसे अगर सपोजली जैसे अगर मैं ये बोलूं कि जैसे करंट कैरिंग वायर है, मान लो मैं आपको एक सिचुएशन दिखा रहा हूं, जैसे एक करंट कैरिंग वायर में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये करंट कैरिंग वायर इमेजिन करो, ऐसा एक वायर दिख रहा है। अब इस केस में आपने यहां पे करंट दिखा रखा है, इसमें एक करंट आई लिख दिया आपने, ठीक है। आपने करंट बोला कि ये 2 एम्पियर का करंट है, ठीक है। अब ये 2 एम्पियर का करंट देखो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है, आपको दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रही है आप सबको? Yes, sir. है ना, ठीक है। बट इस करंट को हम यहाँ पे वेक्टर नहीं बोल सकते, we cannot call this current a vector. अब वो क्यों है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के साथ एक और यूनिक चीज होती है, वो ये है कि वो स्केलर की तरह ऐड नहीं होता है। स्केलर की तरह जब हम कहते हैं ऐड नहीं होता, इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो सपोजिटली ये 2 एम्पियर का करंट जो है, इमेजिन करो कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सपोजिटली ये 2 ब्रांचेस में और डिवाइड हो जाता है, ठीक है।
आपने इधर इसको डिवाइड किया, इमेजिन करो ये मान लेते हैं I1 है, ये मान लेते हैं I2 है, I2 मान लो 0.5 एम्पियर है, तो ये I3 कितना होगा, I3 कितना होगा बताओ, 1.5 एम्पियर, गुड। अब ये सोच के बताओ मुझे, क्या ये 1.5 एम्पियर बताते वक्त क्या आपने ये सोचा कि I2 और I3 वाला जो करंट कैरिंग वायर है उनके बीच में एंगल कितना है, क्या आपने ये सोचा कि ये एंगल कितना है? राइट, इसका मतलब ये वायर के बीच में अगर ये एंगल थीटा को मैं चेंज करूंगा तो भी I1 और I2 और I3 के बीच में रिलेशन क्या होगा, फिक्स होगा, I1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू I2 प्लस I3, ये होगा ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। बट अब ये सोच के देखते हैं, सपोजिटली एक इंसान को सपोजिटली ऐसे मूव कराते हैं, इमेजिन करो कि एक यू नो एक कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करें, जैसे लेट्स से कि यू नो कि अगर हम फोर्स ही लगा रहे किसी चीज पे, सपोजिटली मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ किसी चीज पे, ठीक है, इमेजिन करो कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोजिटली मैं एक फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ, तो इमेजिन करो कि यहाँ पे ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे मैंने इधर एक फोर्स लगाया है, ठीक है, ये मान लो F1 है और ये मान लो आपका 3 न्यूटन का है, ठीक है, और यहां से एक और फोर्स लगा रखा है F2, ये आपका 4 न्यूटन का है, तो इससे अगर मैं पूछूं कि नेट फोर्स कितनी लग रही है तो क्या आप दिखा सकते हो? 7 न्यूटन। सो इसका मतलब F नेट अगर लिखोगे आप तो ये F नेट आप लिख सकते हो, दिस इज F1 प्लस F2, राइट, और ये आपका 7 न्यूटन हो जाएगा। अगर मैं सिचुएशन को थोड़ा चेंज करूं, सपोजिटली इधर से F2 लगा रहे हैं, ये 4 न्यूटन का है, और इधर से F1 लगा रहे हैं और ये 3 न्यूटन का है, और अगर इसका इक्विवेलेंट अगर एक सिंगल सिचुएशन ड्रॉ करें तो इस बार क्या बोलोगे आप, लेफ्ट की तरफ नेट फोर्स है और वो कितना है? यस, 1 न्यूटन, दिस इज 1 न्यूटन। ओके, एक और चीज देखो, अगर सपोजली हम ऐसा लगाते, इमेजिन करो कि इधर से F1 लगाया हमने 3 न्यूटन का और इधर से F2 लगाया ये 4 न्यूटन का, तो इस केस में क्या आप 7 न्यूटन या 1 न्यूटन बोल सकते हैं? फोर्स 5 न्यूटन, उसका रिजल्टेंट 5 न्यूटन, 5 न्यूटन रिजल्टेंट। तो अब आपको जो रिजल्टेंट बोलना है वो ये बोलना है, राइट, है ना, दिस इज द नेट फोर्स, सो इसका मतलब दिस सिचुएशन विल बी इक्विवेलेंट टू, अब आपको इधर से एक फोर्स लगाना है, राइट, इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स जो आएगा वो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से देखो, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, व्हिच इज बेसिकली 5 न्यूटन। तो इसका मतलब जब हम फोर्सेस के बीच में देखो एंगल चेंज कर रहे हैं, देखो अगर आप नोटिस करोगे F1 और F2 के बीच में ये जो एंगल है, देखो F1 और F2 जो है पैरेलल है फर्स्ट डायग्राम में, तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। सेकंड डायग्राम में देखो एंटी पैरेलल है तो एंगल कितनी है, 180 डिग्री। थर्ड डायग्राम में देखो 90 डिग्री है, तो तुम अगर देखोगे तो जब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स चेंज हो रही है तो जो वैल्यू है रिजल्टेंट फोर्स का वो भी तो चेंज हो रही है ना, पूरी नहीं हो रही है, राइट, तो इसीलिए यहाँ पे हम ये कहते हैं कि वेक्टर्स जो है वो स्केलर की तरह ऐड नहीं होते, वो वेक्टर्स जो है वो एक अलग लॉ फॉलो करते हैं जो ज्योमेट्री पे बेस्ड होता है, मतलब ज्योमेट्रिकल एडिशन है बेसिकली, स्केलर की तरह ऐड नहीं हो रहा है, ज्योमेट्रिकल एडिशन ही है, तो ज्योमेट्रिकल जब एडिशन कर रहे हैं तो उस केस में हम इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी का ये डिफरेंस है, मतलब करंट जो है करंट का भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, बट वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, वेक्टर क्वांटिटीज हमेशा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं, स्केलर की तरह कभी भी ऐड नहीं होते हैं, ठीक है, ये समझ आई आपको, तो उनका जो एडिशन का तरीका है वो एक अलग ही तरीका है, इट डज नॉट ऐड लाइक स्केलर, वो कैसे ऐड करते हैं वो आपको सिखाता हूं मैं थोड़ी देर में, बट ये फिलहाल के लिए बेसिक चीज का याद रखिएगा, ठीक है, सो वेक्टर्स आर दस दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction and follows vector law of addition that is cannot be added like scalars, ठीक है, अब ये तो ठीक है आपने समझा, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर भी सीखो, देखो ये सब चीजें काफी बेसिक चीज है, ये सब चीजों को सीखोगे तब आप वेक्टर सो कैन यू प्लीज शो द प्रीवियस पेज वंस, और
I'll be sharing all the screen scrolls of these. So in case you're missing out something, you can copy down later. Okay. Okay, sir. देख लो आप लिख लो जल्दी से ठीक है यस सर ओके देखो अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे जैसे जनरली आप देखोगे कि कोई भी एक वेक्टर हम बोलेंगे तो जैसे ए कोई एक क्वांटिटी हमने क्या रखा वेक्टर ए तो हम बोलते हैं उसको वेक्टर ए ऐसे रीड आउट करते हैं वेक्टर ए तो वेक्टर ए जब हम रीड आउट करते हैं तो इसको आप ऐसे ट्रीट करते हो जैसे ए के ऊपर आप ऐसे एक सिंबल लगा लेते हो दिस इज ए वेक्टर या फिर आप देखोगे बहुत सारे बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है ए के ऊपर ऐसे एक सॉलिड एरो लगा देते हैं तो ये लिखा होगा या फिर कई सारे बुक्स में आप देखोगे बोल्ड करके लिखते हैं यू नो बोल्ड क्या होता है अल्फाबेट को बोल्ड कर देते हैं तो बोल्ड क्या होगा तो भी आप समझो कि वो वेक्टर एक मीन कर रहे हैं ठीक है तो वेक्टर में क्या होगा एक मैग्नीट्यूड होगा एक डायरेक्शन होगा तो आप ऐसा एक लाइन ड्रॉ करते हो यू ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस ऐसा एक लाइन वो बेसिकली उसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए होगा जिस डायरेक्शन में होगा उसके डायरेक्शन में आप लाइन ड्रॉ करते हैं एंड यहाँ पे सामने में आप यहाँ पे पास में ए वेक्टर लिख लेंगे ठीक है ये जो लाइन आप ड्रॉ करते हो इस लाइन का लेंथ बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन होता है जैसे अगर बड़े मैग्नीट्यूड का अगर वेक्टर है तो लाइन का लेंथ बड़ा ड्रॉ करना होता है और अगर छोटे मैग्नीट्यूड का वेक्टर है तो उसका लाइन का लेंथ छोटा ड्रॉ करना होता है तो ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो ये लाइन द लेंथ ऑफ द लाइन ड्रॉन is indicative of the magnitude. Therefore, larger magnitude vector has to be drawn with larger line. Larger line. ठीक है? Okay. अब इसमें जैसे अगर मान लो कि अगर आपने ऐसा एक सिचुएशन दे रखा जैसे एक चीज सोच के देखो जब भी हमें कहते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास तो एक वेक्टर क्वांटिटी का एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन दोनों ही क्वांटिटी होनी चाहिए ठीक है तो जब आप मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीज कहते हो तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर आप चेंज करते हो तो वेक्टर चेंज हो जाएगा आप ये ध्यान रखो जैसे आपने बोला कि वेक्टर है जैसे हमने वेलोसिटी का ही सोचा है 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ 30 डिग्री तो इस केस में आप अगर 10 मीटर पर सेकंड का मैग्नीट्यूड चेंज किया तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा अगर आपने डायरेक्शन चेंज किया तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा तो एक वेक्टर को जब भी आपको कोई बोले ना कि एक वेक्टर चेंज हुआ है तो आप कभी भी ये नहीं सोचना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है आप हमेशा सोचना या तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है या तो डायरेक्शन चेंज हुआ है तो ये चीज का ध्यान रखना आप सो अ वेक्टर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ईदर magnitude, direction, या फिर both. मतलब दोनों ही magnitude और direction आप change कर रहे हो तो इधर केस वो change रहेगा अब अगर आपको ये समझ आ रही है तो देखो एक चीज में draw कर रहा हूं बताना कि इसमें vector change हो रहा है नीचे हो रहा है ठीक है Let us say मैंने ये एक vector draw किया ठीक है This is one vector. ठीक है This is a vector. What I'm doing is आप देखो मैं यहाँ पे एक और वेक्टर बनाया है अच्छा फिलहाल के लिए इसको एक काम करते हैं पहले इसको हटा देते हैं लेट अस से दिस इज बी वेक्टर ठीक है देखो मैं इसको ऐसे मूव करा रहा हूँ आपको दिख रहा है ये स्क्रीन में नाच रहा है दिख रहा है बी वेक्टर देखो भाग रहा है स्क्रीन में आर यू एबल टू सी इट यस सर से आई हैव शिफ्टेड इट फ्रॉम हियर टू हियर ठीक है Can we say that B vector is same as A vector? Yes, sir. It's very good if you understand this. क्योंकि इससे अगर आप notice करोगे तो ना तो मैंने इसका magnitude change किया ना तो direction change किया है ना तो आप इसको कैसे भी move कराओ आप इसको you know इधर उधर भगा के भी लेके गए but आपने ये चीज ensure किया कि ना तो इसका magnitude change किया आपने ना तो इसका direction change किया मतलब आप इसको ऐसे ऐसे भगा के आपने यहाँ लाया उसी path में accordingly आपने तो इसको भी भगाया ये वाला एंड भी तो वैसे ही भाग रहा था ना आई यू गेटिंग इट है ना तो इसीलिए इसमें बी वेक्टर को आप श्योर होके कह सकते हैं कि ये क्या है ए वेक्टर ही है सो सिंस मतलब इससे आप एक चीज क्या सीख रहे हैं कि जब आप वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट करके लेके जाते हैं इसको कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन चेंज नहीं किया आपने ओरिएंटेशन चेंज नहीं किया है
तो जब आप एक वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं विदाउट चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन, तो फिर उस केस में इसका कभी भी कोई भी चेंज नहीं होता है, मतलब आप बी वेक्टर को इक्वल टू ए वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज को मैं मेंशन कर दे रहा हूं यहाँ पे, ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर विदाउट एनी चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन प्रोड्यूसेस नो चेंज इन वेक्टर, प्रोड्यूसेस नो चेंज इन वेक्टर। देयरफॉर हम ये श्योर होकर लिख सकते हैं कि बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर। आर यू गेटिंग इट? ओके, supposedly अगर किसी ने ऐसे ड्रॉ किया होता, इमेजिन करो कि ऐसे किया है। सर कैन यू गो बैक टू द प्रीवियस वन, यू आर बेसिकली शिफ्टिंग इट पैरेलल टू इटसेल्फ, राइट? राइट राइट राइट, आई डिड नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड इवन, इफ यू नोटिस समथिंग आई हैड केप्ट द लेंथ ऑफ द एरो सेम। ओके सर, ठीक है। सपोजिटली अगर ऐसा एक सिचुएशन दिखता है, मान लो आपको, जैसे मान लो यहाँ पे दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, एंड आपने क्या किया, एक और वेक्टर ड्रॉ किया है जो इसको रेडियस की तरह ऐसे लेके आर्क लेके ऐसे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। जैसे ऐसे सोचो एक सर्कुलर आर्क आपने ड्रॉ कर दिया है ए लेंथ का लेके ऐसा, सो दिस इज बी वेक्टर। नाउ कैन यू से बी वेक्टर सेम एज ए वेक्टर? नो सर, नो सर, नो सर, ये आप नहीं कह सकते। गुड, so since b का orientation is different from a का orientation, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि magnitude of a will be equal to magnitude of b, magnitude of a vector will be equal to magnitude of b vector, ये आप कह सकते हो। इसको लिखने का तरीका है basically ऐसे लिखते हैं आप, सिर्फ a equal to b लिख दो, ठीक है, या फिर modulus, या फिर आप ऐसे लिखो modulus of a will be equal to modulus of b, दोनों तरीका चलता है, सिर्फ a equal to b which is correct है और modulus of a equal to modulus of b ये भी correct है, but अगर आप ऐसा लिखोगे a vector equal to b vector तो ये incorrect हो जाएगा, समझ आ रही है? So you cannot write that, तो ये थोड़ा सा careful होके करना। अब जैसे ऐसे सोच के देखो, अगर आपको ये समझ आ रही है, imagine करो supposedly ऐसा एक situation दे रखा है मुझे, let us एक circle है, ठीक है, ये circle, और इस सर्कल में मान लो मैंने आपको दिखा रखा है कि एक पार्टिकल है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, स्पीड कांस्टेंट मैंने आपको दे रखा है, लेट अस से दिस इज स्पीड इज अ कांस्टेंट, गिवन स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। तो मान लो कि अगर यहां पे मैं ऐसे लिख रहा हूं कि ये वी वेक्टर है, ठीक है, तो क्या मैं यहां पे दिखाऊं, तो यहाँ पे भी ऐसे दिखाया और मैंने लिखा ये भी v वेक्टर, सही लिखा मैंने? नो सर, यस सर, नो, दिस वाजंट करेक्ट, दिस वाजंट करेक्ट, हाउ डिड दिस बिकम, डायरेक्शन इज डिफरेंट, डायरेक्शन इज डिफरेंट, गुड, सो इफ डायरेक्शन इज डिफरेंट कैन यू यूज द सेम रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ द वेक्टर्स? No sir. So what you should have written was, if this is v1 vector and this is v2 vector, so you could have written that v1 mod will be v1 equal to v2. V1 equal to v2, right? But v1 vector is not equal not to v2 equals vector. To v2 vector. Are you getting it? Yes sir. आप क्या लिखते हो उसके अकॉर्डिंग आपका अंडरस्टैंडिंग पता चलता है। अगर आप दोनों जगहों पे वी वेक्टर लिख रहे हो इसका मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया है एंड फिर भी आप उसको मान रहे हो कि वो सेम ही रह रहा है, ठीक है। सो लाइक इन द प्रीवियस वन वी हैड रिटन ए इज इक्वल्स टू बी, द मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, बट द वेक्टर बोथ ऑफ देम आर नॉट सिमिलर एज वेक्टर्स, राइट सर? राइट राइट, ठीक है। So in A and B it was in K because of the orientation, and over here it's because of the direction, right? Orientation and direction are the same thing, no? If you shift this vector, say, if you take V1 over here, say, you're taking V1 over here, say, okay, this is V1. Let us say I'm extending this line.
and I'm extending this line. If this angle is theta, I can shift V2 from here to here. This will also be theta, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये एक आर्क लेंथ की तरह ही तो अपीयर होगा ना, ऐसा होगा ना, आर्क बनेगा ना, क्योंकि V1 और V2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है. तो सेम डायग्राम नहीं हुआ क्या? A और B वाला डायग्राम हो गया. यस सर. हो गया ना? यस सर. तो जब हम कहते हैं ओरिएंटेशन चेंज किया, इसका मतलब ही तो है कि हमने डायरेक्शन चेंज किया. डायरेक्शन यू चेंज, राइट? ठीक है. सो कभी भी अगर आपको दो वेक्टर्स कहते हैं इक्वल है, तो हमेशा ध्यान रखना कि दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन, वो दोनों ही क्वांटिटीज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. ठीक है. ओके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर. एक वेक्टर को स्केलर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका क्या मतलब निकलता है? Let us say कि आपको ऐसा दे रखा है कि b vector is equal to k times of a vector, ऐसा लिखा है, ठीक है? तो इसका मतलब देखो, जब आप दो वेक्टर को इक्वेट करते हो, when you are equating two vectors, तो एक चीज पक्का है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब भी आप दो वेक्टर को इक्वेट करते हो तो दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि b vector will be parallel to a vector, right? But B का जो मैग्नीट्यूड है वो k टाइम्स ऑफ a वेक्टर होना चाहिए. Are you getting it? Yes, sir. अगर ये दिया हुआ है, it means b वेक्टर is parallel to a वेक्टर. ये इसका मतलब है. बट मैग्नीट्यूड ऑफ b अगर ले रहे हैं तो ये k टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a है. समझ आ रही है? तो अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसा होगा? दो पॉसिबिलिटीज जनरली आपको दिखेगा. जैसे आप या तो k का वैल्यू 1 से बड़ा होगा या k 1 से छोटा होगा. अभी नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, पहले पॉजिटिव क्वांटिटी की बात कर लेते हैं. तो अगर k का वैल्यू 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप a वेक्टर अगर सपोजली आप ऐसे शो करते हो, लेट्स से दिस इज a वेक्टर, तो b वेक्टर जब आप शो करोगे तो इसके पैरेलल शो करना है और उसे थोड़ा बड़ा शो करना है. तो दिस विल बी b वेक्टर. ये कब का है? दिस इज इफ k इज ग्रेटर देन 1. समझ आ रही है? अगर k लेस देन 1 होगा तो क्या करेंगे आप? मतलब ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1. Means show B to be smaller than A. Yes, we'll show B to be smaller than A. So if this is A vector, you'll show it parallel, but you'll show it smaller than B. Smaller than A. Are you getting it? Sir, ita booster ballam na. अगर आपका k का जो value है, जैसे आप कह रहे हो कि जैसे supposedly आप B को बोल रहे हो, B vector is half of A vector. B vector equal to half of A vector. इसका मतलब क्या है? B vector और A vector parallel है. बट बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए से हाफ है. तो ए से अगर मैग्नीट्यूड हाफ है तो उसका एरो का लेंथ छोटा बनाओगे ना. अच्छा, ठीक है. बुझे चीज? हां सर, बुझे. ठीक है. हां, अब तीसरा एक पॉसिबिलिटी है कि के का वैल्यू आपका नेगेटिव हो. के का वैल्यू नेगेटिव हो, ठीक है, डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए. हां, के का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा. तीसरा केस ये पॉसिबिलिटी के नेगेटिव हो. अगर के नेगेटिव है, मतलब बी जैसे नेगेटिव ऑफ ए, या B is negative of 2A, B is negative of 3A, ऐसा situation दिखेगा, तब उस केस में दोनों anti-parallel हो जाएंगे. मतलब अगर आप A vector अगर ऐसा show कर रहे हो, तो B vector आपको दूसरी तरफ show करना पड़ेगा, ये ऐसा show करेंगे, उल्टे तरफ. This is B vector. ये जो मैंने choose किया है, इसमें मैंने mod of K जो है, वो greater than 1 लिया है, लिया ना? Mod of 1, mod of K. क्योंकि देखो, मैंने B को देखो A से बड़ा बनाया, आपको दिख रहा है ना? और बी अगर ए से बड़ा, इसका मतलब के का वैल्यू भी 1 से तो बड़ा था. हाँ, बट नेगेटिव है, इसलिए क्या होगा? उल्टा हो गया है. ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखो, जब भी आपको कोई बोलता है ना एक नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, जैसे किसी ने बोला नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब ये है कि जस्ट आपको उसको क्या करना, उल्टा कर देना है. ठीक है, सपोजली अगर किसी ने ऐसे ड्रॉ किया, इफ अगर मान लो बोल रखा है बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो इसका मतलब है इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, इसको ऐसे सोचते हैं कि ये नेगेटिव ऑफ, ऐसे सोचते हैं ये a वेक्टर है और a वेक्टर के साथ एक नेगेटिव लगी है, मतलब इसको ये नेगेटिव बेसिकली रिवर्शन को इंडिकेट करता है, रिवर्ट ऑफ a वेक्टर है. समझ आ रही है? तो इस केस में मैग्नीट्यूड आपका चेंज नहीं कर सकता. तो जैसे ये आपने a वेक्टर अगर ड्रॉ किया है, इफ दिस इज a वेक्टर, तो एकदम एग्जैक्टली सेम लेंथ का आप b वेक्टर को भी ड्रॉ करेंगे और उसको उल्टी तरफ ड्रॉ कर देंगे. सो दिस विल बी b वेक्टर एंड दिस b वेक्टर इज सेम एज नेगेटिव ऑफ a वेक्टर. आर यू गेटिंग इट? Yes. This was, so B is equals to minus A, right? Yes. Right.
इसमें देखो आप a और b दोनों का लेंथ मैंने सेम ड्रॉ किया देखो सेम यस सर सर दैट मींस इफ यू मल्टीप्लाई बाय एनी वेक्टर देन इट शुड बी पैरेलल किसको मल्टीप्लाई करेंगे आप एक वेक्टर से एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होता है आप जैसे सोच रहे हैं अच्छा अच्छा वो चीज अभी पढ़ा नहीं आपने वो बाद में पढ़ाएंगे अभी तो टाइम लगेगा वो दो घंटे बाद आएगा वो वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होता है अभी स्केलर पहले सीखो फिर उसके बाद से वेक्टर का ठीक है यस यहां तक समझ आई सबको यस यस सर ओके अगर मान लो कि बी वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है तो इस केस में क्या हम ऐसा ले सकते हैं ऐसा लिख रहे हैं देखो इफ बी वेक्टर या रादर ऐसे लिख लें इफ बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो जीरो वेक्टर जीरो वेक्टर यस सर यस सर ये जो जीरो लिखते हैं जीरो लिखना इज ओके बट जनरली देखोगे यू नो कि अगर आप स्ट्रिक्टली यू नो मैथमेटिकल डेफिनेशन पे देखोगे तो आप इसमें जीरो के ऊपर भी आप देखोगे कि वेक्टर लगा होता है इसको नल वेक्टर कहते हैं दिस इज नल और जीरो वेक्टर कहते हैं इसका मतलब क्या है देखो मतलब ये है कि जैसे देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखोगे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों वेक्टर क्वांटिटी का सम वो भी एक वेक्टर होगा या नहीं होगा राइट तो दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर सम वेक्टर है तो उस केस में आरएचएस में सिर्फ आपने जीरो लिखा तो थोड़ा सा टेक्निकली ये इनकरेक्ट दिखता है या नहीं दिखता दिखता है ना क्योंकि जब आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर तो राइट हैंड साइड में भी तो वेक्टर होना चाहिए तो इसीलिए उसको वेक्टर को वेक्टर से इक्वेट करने के लिए वो क्या करते हैं जनरली जीरो के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं बट वो नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है वो समझ में आ जाता है सबको यू नो एक अंडरस्टूड चीज है कि जब आप जीरो लिख रहे हैं तो वो एक नल वेक्टर ही है वहां पे ठीक है तो स्ट्रिक्टली इस पे यू नो गलत और सही की बात नहीं है अगर आपने जीरो लिखा तो भी सही है और जीरो के ऊपर कैप लगा मतलब ये एरो मार्क किया है तो वो भी सही है ठीक है आर यू गेटिंग इट अब ये अगर समझ आ रहा है तो एक छोटा सा सिचुएशन देखो सपोजली So just that one question I had, sir. So revolt of A vector just means negative of A vector, right? So you've written revolt over there. Okay. Yes. Okay. Yes. Revolt मतलब वो technically सही sound सही करता है ना कि आपको उल्टा करना है. अच्छा. Negative of a vector. Negative of a vector तो ठीक है सही है, but आपको generally वो visualize नहीं करते ना कि negative का मतलब है कि basically उल्टा करना है. Are you getting it? You need to visualize it कि आपको उल्टा करना है. नेगेटिव बोलने से आप समझते नहीं हो कि उल्टा करना है नेगेटिव से लगता है कि आपको प्लस 10 को माइनस 10 कर देना है बट आपको ये तो पता नहीं चलता है ना कि हाँ यू नो उल्टा करना है जैसे मैं आपको सोच के बताता हूँ जैसे इमेजिन करो यू नो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इस तरफ जा रहा है यू नो 10 मीटर पर सेकंड से ठीक है और कोई एक इंसान है जो इस तरफ जा रहा है ये भी 10 मीटर पर सेकंड से ठीक है इसको मान लेते हैं ए है और इसको मान लेते हैं बी है तो आप अगर वेलोसिटी ऑफ ए बोलोगे तो आप इस केस में क्या बोलोगे 10 मीटर पर सेकंड ये इसका मैग्नीट्यूड है राइट बट अगर डायरेक्शन के साथ स्पेसिफाई करोगे तो इस केस में क्या बोलोगे ये अगर मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये क्या बोलोगे 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस और अगर वेलोसिटी ऑफ बी बोलोगे तो क्या बोलोगे 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस देखो मैंने दोनों को 10 लिखा है दिख रहा है आपको मैंने 10 को एक जगह ऐसा लिखा है कि एक जगह 10 एक जगह माइनस 10 क्या लिखा है मैंने एक जगह 10 और एक दूसरी जगह माइनस 10 ऐसा लिखा है क्या नो सर तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि नेगेटिव जब आप लिखते हैं तो डायरेक्शन उल्टा होता है मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं करते आप मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा समझ आ रही है यस सर ठीक है क्लियर है अच्छा अब आप ऐसे सोचो सपोज लिए किसी ने ऐसा एक सिचुएशन दे रखा है जैसे इमेजिन करो एक सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूं ठीक है एक क्वेश्चन की तरह सोचो लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी कोप्लेनर कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लाई करता है एंड सी वेक्टर बी इन अ डिफरेंट प्लेन Can their resultant be zero? Resultant be zero. हो सकता है या नहीं हो सकता है? बताओ.
यस सर हो सकता है हाँ सर शायद कैसे उनको पहले जस्टिफाई तो कर लेना उनका गलती है पता चल जाए हाँ बेटा आप जो बोल रहे थे एक्सप्लेन करिए एक बार नाम बताइए अपना बेटा सर नवनील हाँ नवनील बोलो सर इफ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर्स आर इन अ डिफरेंट प्लेन एंड इफ द नहीं रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी कैन नॉट बी इन अ डिफरेंट प्लेन बेटा देखो जैसे आप ऐसे सोचो लेट अस से अच्छा इसको एक थोड़ा थ्री डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो बेटर समझ आएगा लेट अस से ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है ठीक है ओके अब आप सोचो लेट अस से आपको ऐसा अच्छा ऐसे कर लेते लेट अस से ए वेक्टर आपका इधर है हां एंड बी वेक्टर मान लो आपका इधर है तो ए और बी को मिला के जो रिजल्टेंट बना हाँ वो आपका ये बन गया राइट ओ ओके ठीक है हाँ ये आप लिखते हैं ए और बी का वेक्टर सम है हाँ देखो ये ए और बी का जो सम है क्या ए और बी का प्लेन में ही है या नहीं है हाँ हाँ तो ये हमेशा होगा जब आप वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स करते हैं तो वो भी उसके प्लेन में ही होता है ओके ओके राइट और आप कह रहे हो कि सी वेक्टर किसी डिफरेंट प्लेन में है तो सी वेक्टर अगर डिफरेंट प्लेन में है तो ऐसा कुछ होगा क्या ये कभी भी इसके साथ इक्वल एंड ऑपोजिट हो पाएगा नहीं सर नहीं समझ आ रही है यस सर यस सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिस विल बी इन द प्लेन ऑफ इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ठीक है एंड हेंस इट कैन नेवर B in the plane of C vector. समझ आ रही है? Yes sir. And thus, yes sir. A vector plus B vector plus C vector, this can never be equal to zero. Zero. Okay. Yes sir. Okay. Thank you sir. Okay. Oh sir, can you just explain that last part once? So A and B, it will lie in the plane. A plus B will lie in the plane of A and B. This I understood, sir. ठीक है तो अगर आपको जीरो रिजल्टेंट चाहिए तो इसका मतलब है कि आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि ऐसा हो राइट सॉरी एक मिनट आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो एग्जैक्टली इसके मैग्नीट्यूड का हो और ऑपोजिट yes, नेगेटिव yes, वेक्टर प्लस बी वेक्टर राइट तो अगर सी yes, ये होता अगर सी ये होता तब तो सम जीरो होता ना इफ दिस हैड दिस वाज सी यस सर इफ दिस वाज सी देन द रिजल्टेंट वुड हैव बीन जीरो Yes. Yes, sir. But if this is C, it is in the plane of A and B. So, right? But you put C towards Z, sir. That is what I'm saying. That is the contradiction. अरे बाबा वही तो है ना कि C vector को तो अगर C vector का A और B के साथ resultant zero होना था, तो इसका मतलब C vector को तो A और B के plane में lie करना था. But C तो A और B के plane में lie नहीं कर सकता. क्योंकि उसने दिया है ना डिफरेंट प्लेन में है यस सर अरे बाबा तो वही तो बोल रहा हूं बेटा तो ये तो नहीं है ना नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी जो लिखा है हमने क्या ये सी के इक्वल एंड ऑपोजिट है मतलब सी के साथ मैच कर रहा है नो नो सर सो हाउ कैन दिस बी इक्वल टू जीरो क्या आप इस ये जो ब्लैक कलर का एरो से मैंने जो मार्क किया है उसको सी के साथ ऐड करोगे जीरो आ जाएगा क्या ये No, sir, it won't be. That is what is written there. Oh. Sir, the A plus B C ke perpendicular hai. यहाँ पे इस डायग्राम में है जरूरी नहीं होगा C को अगर मैं किसी और डायरेक्शन में चूज करता तो क्या होता Oh, I got it, sir. So you've taken the negative of A and B, and that's does not equal C. That negative of A and B and C are in the same direction, so it can't be. So the resultant can't be zero. Negative of A plus B is not in the direction of C. Why are you seeing that to be in the direction of C? Negative of A and B is in the XY plane. And C is along Z axis. How are they C in the same direction? Z. How are they in the same direction? Yes, sir. Okay? Yes, sir. okay
अब आते हैं इस पे वेक्टर एडिशन पे आते हैं. अच्छा वेक्टर एडिशन पे जाने से पहले आपको पहले एक एक टर्म एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पहले बताऊं. रुको इसके बाद इसकी बात करेंगे. पहले एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. एंगल बिटवीन वेक्टर्स. दो वेक्टर के बीच में जब भी आपसे एंगल पूछते हैं तो आप कैसे एंगल फाइंड आउट करते हैं उसकी बात करते हैं. जैसे दो वेक्टर रैंडमली ओरिएंटेड है मान लो. लेट अस से दिस इज वन वेक्टर. लेट अस से दिस इज बी वेक्टर एंड यहां पे कहीं आपको ए वेक्टर दिखता है. दिस इज ए वेक्टर. आपको पूछा जाए कि ए और बी के बीच में एंगल कितना है. तो देयर आर टू वेज इन विच यू कैन फाइंड आउट दिस एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. आपको क्या करना है. मेथड वन. मेथड वन इज ओरिएंट वेक्टर्स. Orient vectors with their tail together. मतलब tail to tail configuration में इसको जोड़ना है. तो अगर मैं सोचो यहाँ पे ऐसा situation दिखाऊँ. देखो यहाँ पे ये हमारा a vector है. ठीक है. This is a vector. This is b vector. इसको ऐसे जोड़ दिया. दिख रहा आपको. यस सर. यस सर. यस सर. क्या मैंने ए या बी किसी को भी चेंज किया. नो सर. नो सर. नहीं. तो इस केस में जो इनके बीच का इंटरनल एंगल है ना. ये वाली इंटरनल एंगल. सॉरी ये जो इंटरनल एंगल है. दिस इंटरनल एंगल इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. ये थीटा है. सो इस केस में ये ध्यान रखना. इस केस में इंटरनल एंगल बिटवीन the vectors ये लेना है आपको. ठीक है. दूसरा मेथड. मेथड टू ओरिएंट वेक्टर्स विथ हेड ऑफ वन कोइंसाइडिंग विथ टेल ऑफ अदर. कोइंसाइडिंग विथ टेल ऑफ अदर. अब इस केस में क्या कर रहे हैं. देखो फिर से ये एक वेक्टर है हमारे पास. दिस इज वन वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये है. देखो मैंने हेड टू टेल जोड़ा है. दिख रहा है आपको. एक का हेड दूसरे का टेल जोड़ा हुआ है. दिख रहा है आपको. सो इट्स द टेल ऑफ बी एंड द हेड ऑफ ए राइट. यस यस. टेल ऑफ B is in the head of A. In the head of A. Yes. तो अब आपको क्या करना है. अब आपको exterior angle लेना है. मतलब A का जो line था उसको extend करो. और इस केस में आप देखो ये वाली जो angle होगी. ये वाली angle angle between the vectors कहलाएगी. ठीक है. तो इस केस में आपको ध्यान रखना है. इस केस में exterior angle between the vectors choose करनी है. Got it? ठीक है. तो angle between the vectors आपको ध्यान रहेगा कौन सा choose करना होता है. Supposedly आपको ऐसा एक situation दे रखा है. Imagine करो. एक छोटे से example दिखा रहा हूँ. जैसे imagine करो कि आपको ऐसा situation दे रखा है. Let us say this is A vector and let us say this is B vector and ये angle supposedly 60 degree है. क्या हम कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 60 डिग्री. नो सर. नो सर. नो सर. नो. यस. यस. यस सर. यस सर. यू कांट. हेड टू हेड. यस सर. हेड टू हेड. नो सर. टेल टू टेल. इट विल बी 120 डिग्री. इट विल बी 120. देखो बेटा हेड टू हेड इज सेम एज टेल टू टेल. देखो कैसे. यस सर. देखो एक बार करके देखो. देखो चेक करके देखो. देखो यू विल बी कन्विंसिंग. Can I do this? Yes. Oh yes, sir. Oh yes, sir. Okay. Can I do this? Yes. Sir, you joined the tails together. Yes, sir. It's yes. Fine. So head to head is same as tail to tail. Head to head is the same thing as tail to tail. Got the idea? Yes, sir. Yes, sir. Yes.
ठीक है, स्विचेस का ध्यान रखो, ये सेम चीज ही है, ठीक है। अच्छा एक और ट्राई करते हैं, this is b vector and this is a vector and this angle is 120 degree. So what is the angle between the vectors? 60 degree. Good. So a or b में से किसका head किसका tail है ये matter नहीं करता है, आप किसी एक का head को दूसरे के tail के साथ ले लो, are you getting it? Yes, so this is the head of one and the tail of the other, so the angle yes. should be actually 60, right? Yes, yes, this is supposed to ठीक है ना? हाँ, we're supposed to, right. ठीक है, तो exterior angle. Head to tail अगर होगा, तो exterior angle, और tail to tail हो या head to head हो, दोनों ही केस में आपको interior angle लेना है. Getting it? हाँ. Okay. This is a regular hexagon, ठीक है? Okay? I hope आपको regular hexagon का मतलब पता है. Regular hexagon का मतलब क्या होता है? So all angles are 120. ठीक है, all angles are 120 degree या फिर आप कह सकते हैं simple language में side length equal है ना? Yes. Right? You can say that side length is equal. अब आपके पास क्या है यहाँ पे सोचो. Supposedly इनको vectors की तरह ही मैंने represent किया है. These are vectors. Let us say this is A vector, this is B vector, this is C vector, this is D vector, this is E vector, and this is F vector. ठीक है? Can you write A vector is equal to B vector equal to C vector equal to D vector equal to E vector equal to F vector? Can you write this? No, sir. Direction are changed in every case. Good. The modulus, so you can. Modulus will be same. Magnitude same है. So you can write that A is equal to B equal to C equal to D equal to E equal to F. But you cannot write A vector is equal to B vector, right? Hai na? Right? Yes. You yes. cannot write A vector is equal to C vector. You cannot write, right? Mm. You can write A, sorry. You can write A vector equal to minus D vector. You can you write? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And similar तरीके से we can write b vector is equal to minus of e vector, right? Yes. And you can write c vector is equal to minus of f vector. ठीक है? Yes sir. ठीक है. आप बताओ मुझे कि a vector और b vector के बीच में angle कितना है? 60 degree. 60 degree. Good. b vector और c vector के बीच में? 60 degree. E और? 120. 120. आपको कौन सा एंगल लेना पड़ता है? 60 degree. फिर से बोलो. नहीं नहीं सर ठीक है. अच्छा A और C वेक्टर के बीच में 120. गुड. A और E के बीच में? Oh, so I'm not following. So I'm not following. Which one did you not follow? Oh, sir, can you start about the discussion of the angles again, please, sir? I was having difficulty. Angle between the vectors is either interior or exterior, depending on whether they are oriented in head to head or tail to tail. Yes, sir. So the angle between A and B vector will be 60 because it's the head of A and the tail of B. B, so you take the exterior angle. Good. So I understood A and B is 60 degrees. So now what are the questions? Same तरीके से B और C का भी है. Same for B and C. It'll be 60 degree the angle for B and C as well.
Now you say, what about A and E? You say, I won't say, you say. What about A and E? A and E. Is orient the head of one. Shift them, no? Shift them. Okay. I'll shift. Yes, sir. Okay. So it's the I'll just shift it. It's the head of E and the tail of A. So it'll again be it's the head of E and the tail of A. So it'll again be 60, sir. So 120 sir. 120 degree. 120 आएगा. अब देखो इधर. E को अगर shift करोगे तो ऐसा कुछ आएगा ना E. Right. Right. Yes sir. This is head to head or tail to tail. I mean head to tail or tail head to tail or tail to tail. So this is tail to tail sir. Tail to tail. Tail to tail. तो इस केस में कौन सा एंगल लोगे इंटीरियर 120 राइट सर राइट ठीक है अगर आप इधर भी रखते तो भी सेम चीज होता आप इधर भी रखते तो भी सेम चीज होता अगर आप यहां रखोगे तो उस केस में आपको कौन सा एंगल लेना होता है ये देखो हेड टू टेल है तो उस केस में कौन सा एंगल लेना पड़ता है आपको एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल कितना है हां एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री बोल छे गॉट इट So it's the just one. Acha. Yes, so it's head to now. If you with the second orientation with what you've done when you brought E towards the right, then it becomes head to tail. Like yes. In the previous case, when you had actually put E towards the left, then it was actually tail to tail that was facing, and then directly so it does not matter. No. It does not matter. It does not matter. Way it comes. Answer should come same, no? Yes, sir. Both the method that you have learned here, they are not the different method. They are one and the other same thing, no? Yes, sir. ठीक है तो आपको तो बस ये सीखना है कि हाँ head to head कर ये मतलब जब दोनों का similar you know ends एक साथ जोड़ोगे या तो tail tail या तो head head तो फिर उसके इसमें interior है और अगर एक का head दूसरे का tail जुड़ा हुआ है तो फिर exterior है Yes, so the actual thing is in shifting these vectors, right, sir? Yes. So can I see that diagram just once again, sir, where you shifted? Yes, over here. Yes, sir. So, sir, for A and E, what would be the angle? 120 degree? Yes. You still have confusion? You still have confusion about it? No, sir. Sir, angle between A and F, 60 degree. Angle between A and F 60. Yes. Angle between A and F will be 60 degrees. Okay, sir. And A and D? A and 180 degree. 180 degree. Yes. Anti-parallel 180. Yes. Anti-parallel 180. Yes. Yes, sir. So angle between A and F was 60, right, sir? Because it's right, the right. Head of F and the tail. चलो अभी हम vector addition देखते हैं. Vector addition भी आप दो तरह से कर सकते हैं. You know, दो तरीका है आपके पास. ये vector law of addition कहते हैं इसको. ये दो तरह से कर सकते हैं आप. एक है triangle law. Method one, it is triangle law. Triangle law में आपको क्या करना है? आपको दो vectors को head to tail orientation में जोड़नी है. So what you're supposed to do is orient the vectors with head of one coinciding with tail of another and hence the third side drawn from tail of initial to the head of final is the vector sum
अब इसको कैसे लिखते हैं, जैसे ऐसा है देखो, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर एंड आपने दूसरा वेक्टर ऐसे जोड़ दिया, ये बी वेक्टर है, ये देखो ये हेड टू टेल जुड़ा हुआ है ना, दिख रहा है आपको? यस सर। तो इस केस में इनिशियल का टेल से फाइनल का हेड पे एक लाइन जोड़ो, ये राइट राइट सर। एंड इसमें ड्राइंग जो करनी है आपको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना है, तो डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, इनिशियल के टेल से फाइनल के हेड तक, तो दिस विल बी द डायरेक्शन, गॉट इट? सो इसको आप लिख सकते हो, दिस इज द रिजल्टेंट आर वेक्टर लिख सकते हैं आप इसको, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, समझ आई आपको? यस सर। एक बार समझा दीजिए प्लीज, समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बोलोगे तब तो ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ मुझे नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया? इधर ये एक का हेड और दूसरे वाले के टेल के साथ कंबाइन करके फिर ये रिजल्टेंट कैसे आया? इनिशियल के टेल से फाइनल के हेड पे एक लाइन जोड़ देनी आपको, वो लाइन ही बेसिकली रिजल्टेंट कहलाएगा। ठीक, इनिशियल के टेल से फाइनल के हेड पे एक लाइन जोड़ देंगे, ये रिजल्टेंट कहलाएगा। अभी देखो आप ये ध्यान रखो, व्हेन वी आर सेइंग ए आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इट इज ऑब्वियस दैट if you are changing the angle between a and b, ye check karo, if you are changing this angle say, when you are changing this angle theta, isn't the resultant changing? Yes sir, the resultant will change, right? ye to geometry pe based hai na, aap socho ki do side ko aapne fix kar diya length mein, to uske beech ka angle change kar rahe hai, to resultant change karega, iska matlab ye jo a vector plus b vector aap likh rahe ho, a vector plus b vector is dip, iska magnitude jo aayega, iska magnitude and will, as well as direction, मतलब दोनों ही चीजें, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b एज वेल एज थीटा, है ना, तीनों पे डिपेंड कर रहा है, दिख रहा है आपको? सो नेवर राइट, ये नहीं सोचना कि r इज इक्वल टू a प्लस b, ये लिखा आपने तो गलत हो गया, है ना, दिस नॉट सेम राइट, ये तो बस आपने मैग्नीट्यूड का सम कर दिया ना, दिस इज स्केलर एडिशन, ये क्या किया आपने, दिस इज स्केलर एडिशन, ये तो स्केलर एडिशन कर दिया, बट क्या वेक्टर स्केलर की तरह ऐड होते हैं? नो सर, ये वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिख रहे हैं, और उसमें एम्बिग्युटी है, व्हेन यू आर सेइंग एम्बिग्युटी इसका मतलब क्या है कि आपको मैग्नीट्यूड पता नहीं है, जब तक आपको एंगल नहीं देंगे तब तक आप बता नहीं सकते, ठीक है? सो ये आपका बेसिकली यू नो फर्स्ट मेथड है जिसमें हम ट्रायंगल लॉ कह रहे हैं, द सेकंड मेथड इज method 2 is parallelogram law, parallelogram law, ab parallelogram law mein kya karna hai, aapko dono vectors ko tail to tail orient karna hai, theek hai, orient the given vectors in tail to tail configuration, complete the parallelogram by taking the two given vectors as the sides of parallelogram, the diagonal drawn from the common tail will be the vector sum. देखो इसको कैसे करना है, इस बार हमें क्या करना है, इसमें टेल टू टेल ओरियंट करना है, तो जैसे ये एक वेक्टर है हमारे पास, जैसे दिस इज ए वेक्टर एंड लेट अस से यहां पे हमारे पास बी वेक्टर है, ठीक है, टेल टू टेल जोड़ दिया, अब ये एंगल थीटा इन दोनों के बीच की, राइट? अब आपको क्या करना है सोचो, आपको उसने बोला है कि इसमें से टेक द टू गिवन वेक्टर्स एज द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम एंड कंप्लीट द पैरेललोग्राम, तो आप ये काम आराम से कर सकते हैं, आप क्या करो यहाँ से जस्ट ड्रॉ पैरेलल लाइंस, जो आपको बोला उन्होंने वो करने के लिए वो करो, तो यहाँ से देखो मैं इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, देखो तो हैव आई बीन एबल टू ड्रॉ पैरेललोग्राम? Yes, sir. Yes, sir.
So can I say that this will also be a vector? Right? Yes. Yes, sir. Can I say this will also be b vector? Yes. Yes, sir. देखो तो अभी आपने जो सीखा था, देखो ट्राइंगल लॉ में, देखो तो ट्राइंगल लॉ आ गया क्या इसमें? देखो तो ए वेक्टर है और उसके राइट वाला देखो बी वेक्टर जो डॉटेड लाइन है वो ट्राइंगल लॉ में है, ट्राइंगल वाला हेड टू टेल जुड़ गया। अब तो आपको पता है ना, यहाँ से इनिशियल के टेल से फाइनल का हेड पे जो लाइन कनेक्ट करते हैं वही तो रिजल्टेंट होता था ना। यस सर, दैट बी ए प्लस बी, दिस विल बी आर वेक्टर व्हिच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो बोथ आर सिमिलर मेथड ही, ठीक है ना? जस्ट आप ये ध्यान रखो कर कैसे रहे, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, दोनों जो अलग अलग रिजल्ट नहीं दे सकता, दोनों से रिजल्ट सेम ही है, वन इज यू नो द कॉपी ऑफ द अदर, बस ऐसा सोच सकते हैं। मतलब बेसिकली कैन यू, हां बोलो सर, कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट यू डिड फ्रॉम द जॉइनिंग ऑफ द टू टेल्स, दैट पार्ट सर? आई कंप्लीटेड द पैरेललोग्राम। यस सर, सो व्हाट यू फर्स्ट डू इज यू फर्स्ट ओरिएंटेड देम फ्रॉम टेल टू टेल and then you extended the vector such as you drew a parallel to itself, like from the head of b vector. I complete the parallelogram. In simple terms, I complete the parallelogram by taking the two given vectors as the sides of the parallelogram. तुमको अगर कोई ऐसे अगर दो sides बना के दे दे, ये एक side और ये एक side, तो तुमको बोले parallelogram बनाओ इसका, तो parallelogram नहीं बना पाओगे आप इसका। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। फाइंडिंग आउट magnitude and direction of resultant. Okay. अपने माइक्रोफोन ऑफ करके रखिए बेटा, किसी की आवाज बहुत आ रही है। Let us say this is a vector. And say this is b vector. Can you just scroll upwards for a second? Upwards scroll करना है? क्या देखें? हाँ बस ठीक, thank you. हो गया? ठीक है sir, वो बस वो heading देखना। ठीक है। अभी ये दोनों vectors मुझे दिए हुए मान लो, ठीक है? अब मुझे इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है और डायरेक्शन भी फाइंड करना है, किस डायरेक्शन में है, कितना मैग्नीट्यूड है, दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे ये एंगल तो दिया हुआ है, पहला चीज मैंने आपको बताया कि आपको इससे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करनी है, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो एक बार। पैरेललोग्राम शुड लुक लाइक पैरेललोग्राम, जब भी आप ड्रॉ करते हो तो पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम की तरह दिखना चाहिए, मतलब कोई भी दो साइड पैरेलल दिखने चाहिए और साइड लेंथ इक्वल दिखना चाहिए, ठीक है? तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। देखो एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो ए वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है? ये क्यों ड्रॉ किया अभी तुरंत समझ जाएगा तुम्हें। देखो मुझे ये लाइन का लेंथ चाहिए, ये लाइन का लेंथ चाहिए, वी नीड दिस लाइन लेंथ, इसको जिसको हमने आर वेक्टर कह रखा है। कैन वी फाइंड आउट दिस आर इफ इफ से दिस लेंथ and this length becomes known? Yes sir, by Pythagoras. Yes sir. By simple Pythagoras, right? So एकदम simple सा यही चीज है, आपको बस ये चीज ही सीखना है, आपको कोई formula रटना नहीं है, आपको बस ये basic चीज सीखना है कि vector का जब हम resultant निकालते हैं तो बस Pythagoras theorem use करते हैं, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है? अब next step है कि आप ये Pythagoras theorem use कैसे करोगे, तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। आप ही चेक करो, this vector is b vector, right? Yes sir. This angle is theta over here. So देखो यहाँ पे छोटा वाला जो right angle triangle है, छोटा वाला right angle triangle जिसका hypotenuse b है, क्या उसका base और perpendicular क्या हम निकाल सकते हैं? Yes sir. B cos theta and b sin. B cos theta is the base, b sin theta is the perpendicular. Good. So ये वाली जो length आएगी, this length horizontal वाला जो length है, जो a vector के parallel है. B cos theta. This will be b cos theta. B cos theta.
मैं लिख रहा हूँ, आप बताना सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, ठीक है? जस्ट बी केयरफुल वट एवर आई एम राइटिंग. I'm testing whether you are following me or not. This is b sin theta. Mm-hmm. Correct? Yes, sir. Yes. No. No, sir. No, sir. It is written no. as b cos theta only, not the vector sign. Oh, b sin. Good. Vector sign. Good. Good. You're following it. Good. क्योंकि जब आप b वेक्टर cos थीटा लिखा आपने, मतलब b वेक्टर cos थीटा में cos थीटा तो स्केलर नंबर है. हाँ. और स्केलर है इसका मतलब कि b वेक्टर का डायरेक्शन ये था इसका. राइट. Right? बट ये तो क्लियरली दिख रहा है कि इसका डायरेक्शन बी वेक्टर का डायरेक्शन नहीं है, दिख रहा है ना आपको? तो इसका मतलब ये गलत हो गया. तो इसलिए हमें ऐसे नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी कॉस थीटा और यहाँ से बी साइन थीटा लिखना है. गेटिंग इट? ठीक है. सो कैन यू रिपीट दिस पॉइंट सर? आप ये बताओ मुझे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो और जो इंक्लाइन करके लाइन है, क्या उनका डायरेक्शन सेम है? नो सर. तो फिर हाउ कैन यू यूज द सेम रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर कैसे लिख सकते हो आप? यस सर. यस सर. ठीक है. तो अभी यहां पे ये हो गया, इसमें से ये जो b cos थीटा है ना, ये b cos थीटा, क्या हम ये कह सकते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर, ऐसा कह सकते हैं क्या? हां सर. है ना, मतलब कि b का, जैसे प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है ना शैडो कास्ट करना. शैडो कास्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे आप इमेजिन करो, सपोजली आप इमेजिन करो कि आपके हाथ में एक टॉर्च है. जस्ट इमेजिन अ टॉर्च टू बी इन योर हैंड. जैसे ऐसे सोचो, ऐसे सोचो आप ऊपर से ना लाइट थ्रो कर रहे हो, ऐसे सोचो. ठीक है, यू आर थ्रोइंग लाइट फ्रॉम हियर. एंड इमेजिन करो कि बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर जो है वो एक सॉलिड पोल है. जिस इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक पोल है, दिस इज अ पोल. तो पोल से तो लाइट पास नहीं करेगा ना, करेगा क्या? नो सर. तो पास नहीं करेगा तो वहां पे शैडो बनेगा ना नीचे में. हां सर. शैडो कहां बनेगा देखो तो, ये रीजन में शैडो बनेगा. हां हां बनेगा ना. तो ये जहां पे ये जो शैडो बना उसको ही हम कहते हैं कि हमने बी का प्रोजेक्शन लिया ए के अलोंग. समझ आ रही है? सो प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि शैडो कास्ट करना. आप ये ध्यान रखो, प्रोजेक्शन मींस कास्टिंग शैडो. ठीक है. और वो शैडो का लेंथ कितना होगा, बस वो आप निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं. तो जब भी किसी भी डायरेक्शन में आपको यू नो प्रोजेक्शन निकालना है, तो आपको बस क्या करना होता है कि जैसे एक लाइन है आपको उसका लेंथ पता है या एक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड पता है, और दूसरा किसी भी डायरेक्शन में उसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो आपको उस डायरेक्शन के साथ उसका एंगल पता होना चाहिए. जैसे यहाँ पे थीटा है, तो फिर बस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा कर देंगे, उससे आपको प्रोजेक्शन मिल जाएगा. समझ आया? समझ आया आप सभी को? यस. हां सर. ओके, एक और चीज नोटिस करो. सिमिलर तरीके से अगर इमेजिन करो, किसी ने इमेजिन करो यहाँ पे, इमेजिन करो इधर से टॉर्च से लाइट फेंका होता, इधर से इमेजिन करो लाइट फेंक रहे हैं. ठीक है. इस बार बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लोगे तो कैसा आएगा? परपेंडिकुलर टू ए. परपेंडिकुलर टू ए. देखो ये वाला आएगा, देखो ये आएगा. यस राइट. तो अभी मैंने आपको सिखाया, अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि किसी भी एक वेक्टर का किसी भी लाइन के अलोंग अगर आपको प्रोजेक्शन लेना है तो सिंपली कॉस ऑफ दैट एंगल करना पड़ रहा है. तो देखो तो ये वाला एंगल कितना है, व्हाट इज दिस एंगल, देखो तो व्हाट इज दिस एंगल, 90 माइनस थीटा. अच्छे, तो क्या हम इसको ऐसे ले सकते थे, बी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा एंड व्हिच इज सेम एज बी साइन थीटा. दिस इज सेम एज बी साइन थीटा. तो आप ना बस बी माने कॉस थीटा वाला टर्म याद रखो, बस कॉस थीटा वाला टर्म. कि आपको क्या करना होता है, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज कि आपको एक वेक्टर का अगर दूसरे वेक्टर के अलोंग अगर आपको कंपोनेंट लेना है, तो आपको क्या करना है, बस जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है उसके साथ cos थीटा मल्टीप्लाई करना है, जहां थीटा हैज टू बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. तो अगर 30 डिग्री है तो cos 30 करो, 60 डिग्री है तो cos 60 करो अकॉर्डिंगली. आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग द अदर, राइट सर? यस यस, दिस इज टू फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग द अदर. ठीक है. सो b sin थीटा विल बी कॉल्ड एज, ये जो b sin थीटा हमने दिखा रखा है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर perpendicular to A vector. ठीक है.
अब देखो तो आपको बड़ा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल था उसका बेस और उसका परपेंडिकुलर दोनों मिल गया नहीं मिल गया अब तो आप आराम से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं सो देयरफॉर अब हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं देखो सो देयरफॉर द रिजल्टेंट विल बी क्या लिखेंगे रूट अंडर क्या लिखेंगे आप a plus b cos theta इसका होल स्क्वायर n plus b sin theta right good so इसको अगर जब आप ब्रेक करोगे पर्टिकुलरली तो आपके पास आएगा a square plus b cos theta का होल स्क्वायर plus 2ab cos theta n plus b sin theta का होल स्क्वायर right आप ये वाला टर्म देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इसकी वैल्यू को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं सो दिस विल बी रूट अंडर क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा गुड 2ab cos थीटा हो गया दिस इज द रिजल्टेंट गॉट इट यस सर अब देखो आपने तो इसको ये रिजल्ट की तरह याद रखा ही होगा इट इज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बट इतना सोच के देखो कि दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज यू नो इतना यू नो टाइम इन्वेस्ट करने का जरूरत है आपको बस सिंपल चीज याद रखना है कि बेसिकली वेक्टर सम का मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज करना तुम देखो मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया ना और कुछ तो नहीं किया नहीं है ना तो बस इतना ही याद रखो कि पाइथागोरस थ्योरम बस यूज करना होता है और कुछ नहीं करना है बी कॉस थीटा बी साइन थीटा अगर समझ आ गया तो उसके बाद कुछ मेहनत का काम है ही नहीं आपके पास ठीक है अब सपोज भी जैसे इसी में अगर आपसे कोई पूछे कि नो कि आपने एंगल बिटवीन द वेक्टर्स चेंज किया है ए और बी बट मैग्नीट्यूड को फिक्स रख रहे हो यू आर कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर फिक्स्ड बट यू आर चेंजिंग द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर तो उस केस में कॉस थीटा का वैल्यू आप चेंज कर रहे हो राइट और अगर कॉस थीटा चेंज होगा तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट भी चेंज होगा कॉस थीटा में कॉस थीटा का वैल्यू सबसे ज्यादा कितना होता है 1 कॉस थीटा में सबसे ज्यादा वैल्यू कितना होता है 1 और वो कब होता है और वो कब होता है जब 0 degree हो जाएगा अगर a और b होगा तो उसके सबसे ज्यादा आएगा और दूसरा सबसे कम कब होता है यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि r का वैल्यू जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी देखो अगर प्लस वन डाल दिया तो क्या ये a प्लस बी आ रहा है क्या देखो तो क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा और रूट लगा हुआ है तो ये a प्लस बी तो हो गया ना राइट व्हेन थीटा इज बेसिकली 0 डिग्री मतलब a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर ठीक है एंड r का जो मिनिमम वैल्यू आएगा मिनिमम a माइनस नहीं a माइनस b नहीं लिख सकते हो उसमें a देखो नहीं देखो a माइनस b लिख रहे हो कैसे पता तुमको a बड़ा है b छोटा है कैसे पता है मॉड a माइनस b यस आपको उस केस में मॉड a माइनस b लिखना चाहिए ठीक है ना और ये कब होगा when theta equal to 180 degree right and this will be when a vector will be anti parallel to b vector ठीक है ना तो आपको ये ध्यान रखनी है कि resultant का range कहाँ से कहाँ lie करता है so resultant का range कहाँ से कहाँ lie करेगा greater than equal to a difference b and less than or equal to a plus b ठीक है देखो ये तो आपको मैथमेटिकली समझाया ना ये तो मैथमेटिकली समझाया अब देखो आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ ये काफी सुंदर सा डायग्राम है बहुत ही यू नो अच्छा डायग्राम देखो देखो मैं आपको जो चीज अभी डायग्राम से मैथमेटिकली समझाया उसको डायग्राम से दिखा रहा हूँ देखो एक बार फॉलो अप करो लेट अस से हमारे पास ये ए वेक्टर है ठीक है दिस इज ए वेक्टर ओके एंड हमारे पास बी वेक्टर जो है वो इमेजिन करो यहाँ पे ले रखा हमने अभी शुरुआत करते हैं बी वेक्टर को ए वेक्टर से पैरेलल ले लेते हैं ठीक है क्या बी वेक्टर और ए वेक्टर पैरेलल है क्या देखो तो है या नहीं है along the same so this is a vector and this is b vector ठीक है अब मैं बी को ए के टेल पे फिक्स रख के घुमा रहा हूं ठीक है
अभी देखो इस केस में, अभी इस केस में अगर देखा जाए तो ए और बी का सम कितना आएगा, देखो तो क्या ए प्लस बी आ रहा है क्या, देखो तो ये तो रिजल्टेंट है ना, yes. है ये नहीं है, yes, sir. And is this a plus b? Simply a plus b, not a vector a plus. इस केस में अगर आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो तो सिंपली ए प्लस बी है, yes, sir. Right? Okay. अब आप क्या करो, बी वेक्टर जैसे कॉम्पास घुमाते हो वैसे घुमाओ, बी वेक्टर को उसके टेल पे फिक्स रहने दो और उसके हेड को घुमाते चले जाओ, ठीक है, हेड को घुमाओ तो उसके सर्कुलर एक आर्क जैसा बनेगा ना, बनेगा, यस सर, यस सर. मैं एक ड्रॉ करता हूँ एक बार को, थोड़ा सा पेशेंस रखो. ये देखो, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बी वेक्टर को देखो ओरिएंटेशन में टर्न कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट वॉच इट. देखो मैंने बी वेक्टर को इधर घुमा दिया है, क्या मैंने बी का मैग्नीट्यूड चेंज किया? नो सर, नो सर. ओके, अब देखो आपका रिजल्टेंट कौन है, क्या ये रिजल्टेंट है? यस सर, यस सर. देखो ये जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा छोटा हुआ है, नहीं हुआ? यस सर, पहले का, यस सर, पहले का, यस सर, यस सर. ओके गुड, अभी देखो मैं इसका और थोड़ा छोटा करता हूँ, ये देखो मैं ऐसे कर दिया है, अच्छा इधर कर दिया, तो अब देखो रिजल्टेंट ये आएगा, क्या और छोटा हो गया मैग्नीट्यूड? यस सर, इट बिकम स्मॉलर. ठीक है, अभी और छोटा करते हैं, देखो और छोटा हो गया क्या? यस सर. सो व्हाट यू आर नोटिसिंग इज as the angle between the vector is going on increasing from 0 towards 180, the magnitude of the resultant is going on decreasing, right? Yes. और अब जब आप एकदम बिल्कुल anti-parallel कर दोगे, सोचो जब आपने एकदम बिल्कुल anti-parallel कर दिया, सोचो जब आपने ये वाला situation ले रखा है, ये situation, तो उस केस में सोचो जो resultant आपका आएगा वो कौन होगा, क्या ये आएगा, नहीं आएगा? आएगा? Yes. There'll be minimum now, sir. तो अब minimum हो गया, सबसे छोटा है. So ये जो line का length दिखा रखा है, ये जो line है, this is again a vector plus b vector. But इसका value क्या है? इसका magnitude अगर निकालोगे तो कितना है? A minus b है. Yes, sir. Are you getting it? Everybody understood this? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा enlarge कर देता हूँ. देखो आपको कोई confusion नहीं होगा. See whether you're understanding this or not. ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आना चाहिए कि रिजल्टेंट कैसे चेंज हो रहा है. सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं समझो, आप इसको समझने की कोशिश करो, यू नो, ज्योमेट्री से, कि आप जब भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को इंक्रीज करते चले जा रहे हो तो जो रिजल्टेंट का लाइन ड्रॉ हो रहा है वो लाइन का लेंथ ही क्या हो रहा है, छोटा होता चला जा रहा है. ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसको मैं जस्ट एक स्टेटमेंट में लिख देता हूँ. सो इफ द एंगल थीटा between vectors is increased from 0 degree to 180 degree, the value of a vector plus b vector ka magnitude goes on decreasing. ठीक है, अब आते हैं direction पे. direction निकालने के लिए क्या करेंगे? Also, can you please show that statement again? So I just wanted to understand. So with increase in the value of theta, the value of modulus of vector a plus b keeps on decreasing, right? क्या अभी क्या पूछना है इसमें, पूछिए. No sir, I'm done. ठीक है. Okay, अभी हम क्या कह रहे हैं, अभी इसमें angle between the vectors की बात, मतलब resultant की बात कर रहे हैं. जैसे ये diagram अगर आप देखोगे, ये diagram follow करो आप. डायग्राम में रिजल्टेंट का एंगल आप स्पेसिफाई करोगे किसी एक वेक्टर के साथ, जैसे ए वेक्टर या बी वेक्टर किसी एक के साथ स्पेसिफाई करोगे,
तो मान लेते हैं आप ए के साथ इसकी एंगल जो बता रहे हो ये अल्फा है मान लेते हैं, ठीक है, लेट अस से दिस एंगल इज अल्फा, तो आपको ये अल्फा फाइंड आउट करना है. क्या अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं आप? बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसका परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, तो क्या टैन अल्फा नहीं मिल जाएगा? यस सर. यस सर. यस सर. इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे, ठीक है बेटा, यहां पे लिख देता हूं. तो टैन अल्फा का निकालनी है, टैन अल्फा दैट विल बी बेसिकली परपेंडिकुलर टू थीटा बाय sin थीटा बाय a + b cos थीटा. गुड, ठीक है. अब इसको रिजल्ट्स की तरह रटो नहीं, यू आर नॉट सपोज्ड टू मेमोराइज दीस बाय हार्ट, जस्ट सिंपल ज्योमेट्री है ध्यान रखो. आपको पाइथागोरस थ्योरम बस बेसिक फाउंडेशन है वेक्टर सम का, ये ध्यान रखना पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद बस परपेंडिकुलर बेस का रेशियो लेना है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है. ठीक है, अगर एक कंसेप्चुअल चीज सोचो, अगर मान लो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में से मैंने आपको ए वेक्टर मैग्नीट्यूड में बी वेक्टर से बड़ा दिया है, ठीक है, इफ ए वेक्टर इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड कंपेयर टू बी वेक्टर, ठीक है, तो इसमें मान लो कि ये एंगल्स को मान लेते हैं अल्फा बीटा मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ए की तरफ से जो एंगल है वो अल्फा है और बी की तरफ से जो एंगल है वो बीटा है, तो मान लेते हैं अगर ए बड़ा है बी से तो अल्फा और बीटा में से कौन बड़ा होगा? बीटा. 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 बीटा बड़ा होगा. ये आपको समझ आ रही है सबको? अगर आपको समझ आ रही तो बहुत अच्छी बात है. देखो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर मान लो, ठीक है, देखो मैंने इंटेंशनली बी को छोटा बनाया है, दिख रहा है ना आपको? Are you able to see it? Yes. Yes, sir. ये intentionally मैंने इसको छोटा बनाया है, ठीक है, intentionally है. तो इस केस में अगर आप रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे तो देखो ये आपका रिजल्टेंट ड्रॉ होगा. Are you able to see? देखो ये एंगल अल्फा जो है ये बीटा से छोटा है, दिख रहा है आपको? है ना? अगर आप और बड़ा करोगे, सपोज कि आपने ए को और बड़ा कर दिया है, इमेजिन करो आपने ए को और बड़ा कर दिया, बी को वही रहने दो, ठीक है, ए को और बड़ा कर दो, लेट अस से ये ए ए डैश हो गया जैसे, तो उस केस में रिजल्टेंट देखो आपका नया बनेगा. ये देखो, आर यू गेटिंग इट? तो ये आप कुछ एक अल्फा डैश हो जाएगा और ये एंगल आपका बीटा डैश हो जाएगा. समझ आ रही है आपको? तो जैसे जैसे आप ए का वेक्टर का लेंथ को बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे ए का लेंथ को बढ़ाते जाओगे, मतलब ए का मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाओगे, तो रिजल्टेंट उसकी तरफ झुकता जाएगा, दिख रहा है आपको? रिजल्टेंट जो है वो ए की तरफ देखो बेंड हो रहा है, ठीक है. तो इसे आप क्या देख रहे हो? द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट of two vectors is more inclined towards vector of larger magnitude and hence makes smaller angle with it. ठीक है, अगर सपोजली ए और बी सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो क्या बोलते हैं आप? अल्फा और बीटा वुड हैव बीन इक्वल. गुड, तो उस केस में अल्फा और बीटा क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं. अगर आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का है, डायरेक्शन अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम है, तो उस केस में ना तो ए की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होता ना बी की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होता, तो रिजल्टेंट केस पे होता है बाइसेक्टर लाइन पे होता ना. तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको ध्यान रखेंगे. सो इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर is equal to magnitude of B vector, then the resultant will always be along the bisector.
सर आपका स्क्रीन हैंग हो गया मेरी आवाज आ रही है यस यस सर ओके यस सर डिस्कनेक्ट हो गया था स्क्रीन दिख रही है तो देखो अभी स्क्रीन दिख रही है यस सर ओके ठीक है अभी देखो कि सपोजली जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर मान लो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और वो ए दिया हुआ है और मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या करोगे आर की वैल्यू को क्या लिखोगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा ये लिखोगे ना लिखोगे यस सर यस सर अब यहां से टू ए स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए cos of 2 theta की फॉर्मूला अगर हम लगाएं cos of 2 theta तो ये होता है 2 cos square theta minus 1 ऐसा होता है या फिर इसको आप 1 minus of 2 sin square theta भी लिख सकते हो तो देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2 a square into 2 cos square theta by 2 ऐसा लिख सकते हैं क्या देखो तो लिख सकते हैं yes sir So therefore, देखो तो resultant की magnitude कितनी आ गई है 2a into cos of theta by 2 दिख रही है अब ये देखो ये आपने कितना मेहनत करके निकाला है और इसमें तो आपको एक formula की भी जरूरत पड़ गई अब मैं आपको एक geometry से समझाता हूँ देखो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ geometry पे हमेशा depend करो काफी easy होता है वो अब मैं आपको geometry से करके दिखा रहा हूँ देखो उसने question में हमें ये दिया था कि there were two vectors a and b whose magnitude were equal so this was a vector This was B vector. इस बार B का magnitude में exactly A के equal draw कर रहा हूँ, ठीक है? This is B vector whose magnitude is same as A vector. इन दोनों के बीच का angle theta है. तो मुझे ये पता है कि इनका resultant bisector पे होगा. तो मैंने पहले ही एक bisector line draw कर लिया है. ठीक है? This is a bisector line. और इस bisector के perpendicular भी एक line draw कर रहे हैं. ठीक है? इस bisector के perpendicular एक line लिया है. ये bisector का perpendicular है. सिंस दिस इज द बाइसेक्टर मैं अगर ये एंगल को मार्क करूं ये एंगल थीटा बाय 2 होगा इधर से भी थीटा बाय 2 होगा होगा तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बी का कंपोनेंट ए की मतलब जो बी का कंपोनेंट है और ए का कंपोनेंट है बाइसेक्टर लाइन पे कितना आएगा तो अब बी का कंपोनेंट अगर दिखाते हैं तो क्या लिखते हैं आप ये कंपोनेंट कितना आएगा बी कॉस थीटा बाय 2 आएगा और ए का भी कंपोनेंट अगर इस लाइन पे आप मार्क करते हैं तो क्या लिखते हैं और बी के मतलब जो bisector line है उसके perpendicular वाला जो line है उसमें अगर draw करते हैं तो b का component कितना दिखाते हैं b sin theta by 2 and similar तरीके से अगर a का भी आप draw करते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पे a sin theta by 2 but मैंने आपको a और b दोनों का magnitude क्या दिया है but मैंने आपको a और b दोनों का magnitude क्या दिया है same दिया है equal so are these two equal and opposite yes sir so they cancel out and A cos theta by 2 and B cos theta by 2 are in same direction and same direction मतलब simply add हो जाएगा तो इसका मतलब resultant कितना आ गया so this situation is equivalent to क्या लिखेंगे आप 2A cos theta by 2 match किया दिख रहा है आपको match किया ना आप देखो इधर से तो जैसे आपने जो memorized formula था उसको use किया you did not understand why this was coming but here you are exactly understanding why this is coming isn't it Getting it? Yes. इसमें एक और स्पेशल केस है एक और स्पेशल केस है सोचो सपोजिटली मैं कह रहा हूँ सपोजिटली इमेजिन करो अगर ये थीटा का वैल्यू 120 होता सपोजिटली थीटा का वैल्यू 120 होता तब क्या होता R equal to A मतलब कि अगर आपके पास दो ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है
और दोनों के बीच का एंगल अगर 120 है तो इसका मतलब रिजल्टेंट भी सेम मैग्नीट्यूड का होगा, है ना? ये तो मतलब निकला, राइट? सो स्पेसिफिकली इसको ध्यान रखना, स्पेसिफिकली इफ थीटा वॉज 120 डिग्री देन आर वुड हैव बीन 2a into cos of 60, which would be a. So therefore, if a vector ka magnitude is equal to b vector ka magnitude and theta is equal to 120 degree, then the resultant, then the mod of a vector plus b vector is equal to a vector ka magnitude is equal to b vector ka magnitude. ठीक है, समझ आई सबको? इसको डायग्राम में अगर दिखाओगे तो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखना, देखो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, देखो तो क्या ये एंगल 120 है, राइट? राइट, यस सर, यस सर. और ये एंगल जो, ये जो लाइन होगा ये आपका बेसिकली आर वेक्टर हो जाएगा, होगा? और अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, देखो ये एंगल 60 है, राइट? 60. और ए और बी ऑलरेडी उसने लेंथ में आपको सेम दिया ना, ए और बी लेंथ में क्या था, सेम था ना, राइट? तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी सेम होने चाहिए, राइट? और वो दोनों एंगल अगर सेम होना चाहिए, इसका मतलब 120 डिवाइड बाय 2, 120 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना हो गया, 60. इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है? 60. ठीक है, तो इससे बेसिकली आपका जो ट्रायंगल लॉ से अगर देखते हैं तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा था. समझ आ रही है? यस, क्लियर है यहां तक सबको? समझ आई बात? सो कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप सर, वेयर यू डिड दैट, जस्ट स्क्रॉल अप सर. जस्ट अबव दिस सर. Sir, can you please scroll down this, sir? Well, yes, sir. देखो, जैसे आपको एक चीज समझ आना चाहिए कि वेक्टर्स में जब आप ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर को ऐड करते हो या बी वेक्टर के साथ ऐड ए को ऐड करते हो, कोई मैटर नहीं करता. मतलब ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. मतलब आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल रहे हो, दिस इज एज गुड एज बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर. ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसको किसके साथ ऐड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो अगर सोचो कि किसी ने, अगर मान लो कि दो वेक्टर नहीं तीन वेक्टर को ऐड कर रखा है, लेट्स से थ्री वेक्टर्स आर सपोज्ड टू बी एडेड. तो मतलब अगर मान लो कि किसी ने ऐसा एक सिचुएशन दिखा रखा है, लेट्स से इसको पॉलीगॉन रूल कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. मान लो कि आपके पास ऐसा सिचुएशन दे रखा है, जैसे यहाँ एक वेक्टर है, लेट अस से दिस इज वन वेक्टर, यहाँ मान लो एक दूसरा वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर, यहाँ पे मान लो एक तीसरा वेक्टर है, दिस इज सी वेक्टर. ठीक है, एंड तुमसे पूछा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर निकालोगे तो क्या आएगा. ठीक है, तो वेक्टर एडिशन का जो बेसिक रूल है वो चेंज नहीं करता है. आप क्या करो, आप कोई भी एक रूल फॉलो कर लो, जैसे हेड टू टेल वाला ले लेते हैं. ठीक है, तो पहले मैंने ए को यहां पे रखा है, फिर
बी को ले आते हैं, फिर सी को ले आते हैं, ये सी को लेके आ गया। अच्छा, इसका लेंथ को थोड़ा छोटा कर देते हैं, लंबा कर देते हैं या छोटा कर देते हैं, थोड़ा लंबा कर रहा हूं जिस डायग्राम को अच्छा बनाने के लिए। अभी देखो, ये आपके पास ए बी और सी है, ठीक है। अब आपको पूछा इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए। देखो, अगर मैं ऐसा करूं, मैं यहां से एक लाइन खींच रहा हूं ए से, ए के टेल से बी के हेड पे, क्या मैं ये कह सकता हूं दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर? यस सर। अब देखो, ए प्लस बी वेक्टर कैन बी कॉल्ड एज अ न्यू वेक्टर, लेट अस से दिस इज डी वेक्टर, राइट? यस सर। और d वेक्टर के साथ जब आप c को ऐड करोगे तो फिर से देखो हेड टू टेल है, तो इनिशियल के टेल से फाइनल का हेड पे एक लाइन कनेक्ट करेंगे। सो कैन दिस बी कॉल्ड एज d वेक्टर प्लस c वेक्टर? यस सर। सो दिस बिकम्स a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, हो गया ना? तो बेसिकली एक के हेड से दूसरे के टेल पे आप सीक्वेंशियली वेक्टर्स को जोड़ते जाओ, एक के टेल से दूसरे के हेड पे सीक्वेंशियली वेक्टर्स को जोड़ते जाओ, और इनिशियल के टेल से जो फाइनल का हेड पे जो लाइन कनेक्ट होगा, that will be called as the resultant of the vectors. Got it? So sequentially go on placing the vectors in head to tail configuration, and hence the line connecting tail of initial to the head of final will be the resultant of the vectors. समझ आई आपको ये बात? सर, आई हैव अ डाउट सर। बोलो सर। वो जो आप सी सी में जो वो एरो दिए हो ना, हाँ, सो वो अपवर्ड है या डाउनर है? अपवर्ड है बेटा, अपवर्ड। अपवर्ड, ठीक है सर। ये ड्रोटा बोले थे बंद कीटा की बोल बार एक बार সিটা নেই ভাব A আর B কে অ্যাড করে কি এই ইয়েলো লাইনটা যেটা মার্ক করেছি ওটা হবে সি এর ডাইরেকশনটা ডাউনওয়ার্ড হবে? সি এর ডাইরেকশন ডাউনওয়ার্ড কেন হবে? সি কা ডাইরেকশন তো উপরে है। ये देखो, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तुम कैसे डाउनवर्ड कर दोगे? कोई डायरेक्ट डायरेक्शन चेंज नहीं करते रहोगे? ओके 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 अंडरस्टैंड। এবার তো তোকে ডি এর সঙ্গে সি কে অ্যাড করতে হবে, তাহলে দুটো ভেক্টর কে অ্যাড করতে শিখিস নি, কি করতে হবে? একটা ভেক্টরের হেড এর সঙ্গে দ্বিতীয় টেলটা যুক্ত হবে, তাহলে আমি সি এর টেলটা ডি এর হেড এর সঙ্গে যুক্ত করেছি, দেখ। আচ্ছা আচ্ছা, আমি বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে। আর তারপরে রেজাল্টেন্ট ড্র করেছি, হয়েছে? So in the end, you just connected the tail of D to the head of C, right, sir? Yeah.
Yes, yes. To get D plus C and then A plus B plus C. Tail of initial to the head of final. A tail of initial to the head of final. ठीक है? ठीक है? Yes, sir. अभी subtraction of vectors करते हैं. First of all, there is no such thing called subtraction of vectors. ये हमेशा vectors का addition ही होता है. Subtraction भी हम you know addition की तरह ही सोचते हैं. कैसे आप वो बताता हूँ आपको. जैसे आपको a vector minus b vector दिख रहा है, ठीक है? This is subtraction of vectors, isn't it? Isn't a vector minus b vector same as subtraction of vectors, right? Yes. तो इसको मैं ऐसे ले सकते हैं. This is a vector plus minus b vector. Right? Yes, sir. Negative का मतलब आपको बताया था, क्या मतलब है? Revert B vector. And then add to A vector. Right? माने तो के B टा के उल्टो करे, A र शंगे अबर add करते होंगे. That's it. मतलब एक A और B का सम आपने निकालना सीखा है, तो A और minus B का भी तो सम निकाल ही लोगे, है ना? देखो दोस्तों कैसे करना है. देखो चेक करो उधर, डायग्राम में कर रहे हैं. देखो उधर हमारा जो डायग्राम हम फॉलो कर रहे थे वो कुछ ऐसा था. दिस वाज ए वेक्टर. सर आई एम नॉट एबल टू सी योर स्क्रीन. स्क्रीन नहीं आ रहा है? नहीं सर, मेरा में नहीं आ रहा. बेटा सबको आ रहा है? बाकी लोगों को आ रहा है? हां सर. हां सर आ रहा है. हां सर. हां सर आ रहा है. हां सर आ रहा है. बेटा जिसको नहीं आ रहा है ना, वो एक बार ना आप मीटिंग को लीव करिए और फिर से वापस से रीजॉइन कर लीजिए. आ जाएगा. ठीक हो जाएगा. ठीक है, एक बार जस्ट लीव करिए जल्दी से और ज्वाइन कर लीजिए वापस. चलो अभी मैं कर रहा हूँ. देखो सो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में हमें एंगल थीटा दिया हुआ था. ठीक है, दिस वाज गिवन टू अस. सो व्हेन आई रिवर्ट बी वेक्टर, आई एम नॉट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. ठीक है, ये ध्यान रखना आप. तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसका एग्जैक्टली कॉपी यहाँ पे ले रहा हूँ, बस डायरेक्शन अब उल्टा कर दूंगा. ठीक है, डायरेक्शन उल्टा करना, ये ध्यान रखना. ये देखो ये हटाया एंड डायरेक्शन उल्टा कर दिया. सो विल दिस बी नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर? Yes, sir. So now treat this as another vector. Let us say this is C vector. मान लेते हैं ये C vector है, ठीक है? तो C vector is negative of B vector. जहाँ पे C का जो magnitude अगर calculate करोगे, तो B के magnitude को match करेगा ना? Yes, sir. अब इसको ऐसे सोचो कि A vector minus B vector नहीं करना है, A vector plus C vector करना है. That's it. और A vector और C vector के बीच में angle कितनी दिख रही है आपको? What is the angle? 180 देखो तो विल दिस बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर? हाँ बोलो बेटा. सर कैन यू रिपीट द पिक्चर? मतलब इसमें क्या बताना है बताइए. जैसे A अभी तो बस B को उल्टा किया है. देखो रिवर्ट B वेक्टर करना था ना आपको. सर एक्चुअली रीजॉइन करे छे. अच्छा. तो A वेक्टर माइनस B वेक्टर था कि A वेक्टर प्लस माइनस और B वेक्टर, এটা বুঝিস নি? হ্যাঁ ওটা বুঝেছি. এবার দেখ A वेक्टर B वेक्टर তো দেয়া আছে. A वेक्टर B वेक्टर তো দেয়া আছে. এবার আমাকে B वेक्टरটাকে তো আগে রিভার্ট করতে হবে. তো B वेक्टरটাকে দেখ রিভার্ট করেছি. দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ. রিভার্ট করলে তো ম্যাগনিটিউড চেঞ্জ হয় না, হয় কি? না না, তাহলে ম্যাগনিটিউড সেম থাকবে. তাহলে দেখ ওইটাকে আমি সি ভেক্টর লিখেছি আর সি ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড বি ভেক্টরের সঙ্গে সমান মার্ক করেছি. দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ. ওকে স্যার. তাহলে অ্যাঙ্গেল বিটুইন এ এন্ড সি বিকামস 180 মাইনাস থিটা এন্ড এ বার তুই এই যে রেড কালারের লাইন হলো এটাই তো বেসিক্যালি রেজালটেন্ট অফ এ ভেক্টর প্লাস সি ভেক্টর হয়ে গেল এন্ড এ ভেক্টর প্লাস সি ভেক্টর মানে তো এ ভেক্টর মাইনাস বি ভেক্টর, তাই তো? রাইট. তাহলে এই যে
a vector minus of b vector bar kochi amra er magnitude ki hobe root under a square plus b square plus 2ab into cos of 180 minus theta and cos of 180 minus theta is minus cos theta to ye ho jayega root under a square plus b square minus of 2ab into cos theta ho jayega got it bujhe chish bujhe chish acha bujhe chish yes sir yes sir okay ek interesting cheez note karo देखो डायग्राम में देखो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूं आपको देखो ये जो डायगनल था ये डायगनल ये कितना था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था ना यस सर आप बताओ मुझे ये जो लाइन अभी ड्रॉ कर रहा हूं मैं ये लाइन क्या ये लाइन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है या नहीं नो सर नो यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसका मतलब जब आप एक दो वेक्टर को लेके एक पैरेललोग्राम बनाते हो तो उस पैरेललोग्राम का जो दो डायगनल्स होता है ना एक डायगनल आपको वेक्टर सम देता है और दूसरा डायगनल आपको वेक्टर डिफरेंस देता है आर यू गेटिंग इट यस सर ठीक है तो ये चीज का ध्यान रखो तो जैसे लेट अस से यू नो कि इस डायगनल एक डायगनल को हम d1 वेक्टर तो देयरफॉर अगर आप d1 का स्क्वायर एंड प्लस d2 का स्क्वायर करते हो तो क्या मिलेगा आपको ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा मिलेगा यस सर आर यू गेटिंग इट यस सर ठीक है सो कैन यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट अगेन प्लीज सर आप बताओ मुझे d1 का मैग्नीट्यूड कितना है सो a प्लस b सर a स्क्वायर मैग्नीट्यूड सो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा सर फॉर d1 सो उसका स्क्वायर करो हां सर यस सर आई गॉट इट यस सर सो ये रिजल्टेंट तो इससे क्या है बेसिकली अगर आपको किसी भी एक यू नो सोचो कि आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है और उस पैरेललोग्राम का अगर दो साइड और एक डायगोनल दे रखा है तो दूसरा डायगनल आप निकाल सकते हैं ना यहाँ से ठीक है यस सर आप ये बताओ मुझे ये दोनों डायगनल का लेंथ सेम होगा या डिफरेंट होगा डिफरेंट ही होगा ना डिफरेंट सर ठीक है डायग्राम में ही देख रहा है क्लियरली डिफरेंट है बट एक केस में सेम हो सकता है कब जब a एंड b इक्वल ना 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 a एंड b इक्वल होते हैं ना खाली a एंड b के मध्य एंगल 90 होता है सर व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गुड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री जब थीटा इक्वल टू 90 होगा तब ये रेक्टेंगल बनेगा या फिर स्क्वायर बनेगा राइट है ना और रेक्टेंगल लो या स्क्वायर लो दोनों का ही डायगोनल तो सेम होगा ना राइट तो इससे आप ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम और डिफरेंस अगर इक्वल दिया हुआ है मैग्नीट्यूड में तो श्योर है कि वो क्या है बेसिकली एंगल ऑफ द वेक्टर इज 90 डिग्री समझ आ रही है यस सर ठीक है इसको मैं जस्ट मेंशन कर रहा हूं इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर देन द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल which can happen only in case of rectangle or square therefore theta will be 90 degree samajh aayi na sabko ye baat maine aapko analytically bataya formula se nahi samjhaya maine aapko analytically samjhaya ki aap aisa ek parallelogram draw karoge jo square hai ya rectangle hai aisa aapne draw kiya socho क्योंकि ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है तो इस केस में ये जो डायगनल आपने ड्रॉ किया इधर से ये जो डायगनल ड्रॉ कर रहे हो इसको हम कह रहे हैं दिस इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर और इधर से ड्रॉ करोगे a वेक्टर माइनस b वेक्टर आर एंड दीस टू डायगनल सेम
Yes, sir. That's it. Got it? समझ आई सबको? एग्जाम्पल्स थोड़ी देर बाद करते हैं, पहले मैं आपको एक बार जस्ट थ्योरी करा दूं पहले. ओके, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? जैसे नाम से आपको पता चलना चाहिए, यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा. अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इज अ यूनिट वेक्टर. जैसे मान लो कि अगर आपको यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अ यूनिट वेक्टर, हाँ कैप लगा लेते हैं, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज, इसको ऐसे लिखते हैं ए कैप, एंड इसको लिखते हैं ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड. ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा नहीं आएगा? सोच के देखो, होगा नहीं होगा? किसी भी आप वेक्टर को, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक मैग्नीट्यूड देंगे और असाइन करेंगे और एक डायरेक्शन असाइन करेंगे, तो उस केस में अगर उस वेक्टर को आपने खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर. तो इसलिए यूनिट वेक्टर का निकालना है तो आपको वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होता है. दैट्स इट. यूनिट वेक्टर का काम क्या है? इसका काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है. डायरेक्शन स्पेसिफाई करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि आपको जैसे कोई चीज अगर बोल दे कि वेक्टर ए की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आपको ऐसे नहीं बोलने की जरूरत है कि जैसे आप इतना बोलोगे तो लिटरेचर में बोल रहे हो अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. इसी को बोलने का एक आसान तरीका क्या होगा? सिंपली 5 न्यूटन ए कैप. समझ आ रहा है? ठीक है. इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट other vectors in their direction, other vectors in their direction. जैसे मैंने आपको जो बोला कि supposedly आपका a vector, let us say this is a vector, और sir, एक object है. हाँ बेटा बोलिए. सर 1 कैसे हो रहा है, एक बार बताइएगा. इसका magnitude आप बोल रहे हैं? हाँ, a cap. Okay, okay. ऐसे सोचो, a vector को क्या हम ऐसा ले सकते हैं कि A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू A कैप है, ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं? ओके. अब इसमें सोच के देखो आप, जब हम इसमें देखो, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर है ना, आरएचएस देखो इसका, इस इक्वेशन का आरएचएस देखो. A कैप इज अ वेक्टर एंड मॉड ऑफ A इज स्केलर, राइट? तो मैं बेसिकली ऐसा लिख रहा हूँ कि B वेक्टर इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ A वेक्टर, ऐसे लिख रहा हूँ ना, राइट? अब बताओ मुझे ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 बाय डेफिनेशन. यस, सो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1 और 1 का मैग्नीट्यूड से अगर तुम ए को मल्टीप्लाई करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या मैग्नीट्यूड चेंज होगा? यस सर, विल बिकम ए हो जाएगा, राइट? यस सर. हां, ए के साथ, ठीक है, आपने ए के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड बिकम्स ए, नो? हां, तो इसका मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या इफेक्ट हुआ इससे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफेक्ट हुआ, ए कैप का मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन इफेक्ट हुआ, जो डायरेक्शन भी इफेक्ट नहीं हुआ, थप्पड़ डायरेक्शन भी इफेक्ट नहीं हुआ. डायरेक्शन तो दो वेक्टर को जब आप इक्वेट कर रहे हैं तो डायरेक्शन अलग हो सकता है क्या? अच्छा, लड़की लड़की, मैग्नीट्यूड बिकम्स ए टाइम्स ना व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद ए, बिकॉज़ यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 1. यस, दैट्स अ सिंपल थिंग. किसी चीज का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो उसके साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो, जिस भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे उतना ही फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 गुना होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 गुना होगा, 10 से मल्टीप्लाई किया 10 गुना होगा. तो आपने ए से मल्टीप्लाई किया मतलब ए टाइम्स हो गया, राइट? समझ आया बेटा आपको? यस सर. नहीं नहीं, किसी लड़की ने पूछा था ना डाउट, बेटा आपको समझ आया बात? यस सर. ठीक है. हाँ, देखो अभी जैसे इस क्वेश्चन में सोचो, जैसे ए का डायरेक्शन दिखा रखा है उसने, डायग्राम में देखो ए वेक्टर दिखा रखा है, एंड लेट अस से ये ऑब्जेक्ट है जिस पे मैंने फोर्स लगा रखा है, ठीक है, और ये फोर्स मान लो 10 न्यूटन है, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स है. तो इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे कैसे लिखोगे? सिंपली ऐसे लिखो 10 न्यूटन एंड यहाँ पे ए कैप लगा लो. ए कैप, यस सर. आर यू गेटिंग इट? दिस इंडिकेट्स, ये जब आप ऐसे लिख रहे हो तो इसका मतलब ये है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन
in the direction of a acts in the direction of a cap a vector. समझ आ रही है आपको? तो देखो एक है literature, देखो कितना बड़ा है. A force of 10 newton acts in the direction of a vector. और उसका mathematical expression देखो कितना छोटा है. F vector equal to 10 newton a cap. समझ आ रहा है? तो ये advantage है basically vector को represent करने का. Vector को represent करने का ये एक आसान सा तरीका होता है. ठीक है, समझ आई आपको? समझ आई है? Yes, sir. Yes, sir. एक छोटा सा एप्लीकेशन आपको देता हूँ. एक छोटा सा एप्लीकेशन देता हूँ. ठीक है. The vector sum of two unit vectors a cap and b cap is another unit vector c cap. Tell us, find angle between a cap and minus of c cap. Dusra, find magnitude of a cap minus b cap. ठीक है, आप इसको सोच के रखो. हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं. हम लोग 20 मिनट्स के बाद फिर से वापस से मिलते हैं. ठीक है, ठीक है. आप भी खाना खा लो और मैं भी खाना खा लेता हूँ तब तक. ठीक है, सेम आइडिया. क्या 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 सर? माने नेक्स्ट टाइम सेम आइडिया एंड पासवर्ड ये जॉइन करा जाए. है सेम आइडिया पासवर्ड. ठीक है, आपने क्वेश्चन देख लिया ना? क्वेश्चन देख लिया सबने? सो नाउ इट्स 122, सो क्लास विल रिज्यूम बैक एट 145 स्टार्ट करते हैं. 122 हो रहा है अभी. 145 स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आप लोग टाइम पे आ जाओ. ठीक है, 145. थैंक यू सर. सो सिंस ऑलरेडी उसने कह रखा है दोनों वेक्टर्स को ऐड करने पे तीसरा वेक्टर जो मिल रहा है वो भी सेम मैग्नीट्यूड का है, तो तीनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं. तो ये तो आपको रिजल्ट अभी सिखाया था कि सिंस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ये दे रखा उन्होंने. इसका मतलब थीटा इज बेसिकली 120 डिग्री. ये ऑलरेडी आपको समझाया था, उसको यूज कर रहे हैं हम. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये सिचुएशन, दिस इज ए कैप यूनिट वेक्टर्स हैं, दिस इज बी कैप, ओ सॉरी 120 है ना एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल पे ड्रॉ करना है, दिस इज बी कैप एंड अकॉर्डिंगली आपका इसको तो अभी आप इनके बीच का एंगल तो आपको पता चल गया. तो ए और माइनस सी चाहिए था ना. सी वाज C क्या था? The vector sum of two vector unit vectors. Okay. Resultant. हाँ ठीक है, resultant था. ऐसे कर लेते हैं इसको. So this is C cap. और ये तो आपको दिख ही रहा है, 60 इधर से भी होगा, 60 इधर से भी होगा. तो पहले पार्ट का जो आंसर होगा, फर्स्ट पार्ट का, दिस इज फर्स्ट पार्ट का आंसर. ठीक है ना, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड, अच्छा ए और सी का बीच का पूछा था या ए और माइनस सी का पूछा था आपसे? माइनस सी सर. ए एंड माइनस सी. माइनस सी. माइनस सी तो इधर आएगा, तो माइनस सी तो इधर आएगा, राइट? है ना. अच्छा सी इज आल्सो यूनिट वेक्टर, तो कैप लगा लेते हैं. दिस इज माइनस ऑफ सी कैप. तो अब ये देखो इनके बीच का एंगल 120 है या 60 है? 120. तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस ऑफ सी वेक्टर, a vector and minus of c cap, a cap and minus c cap, a vector nahi, a cap diya hua hai, a cap and minus c cap will be, kya likhenge aap? 120 degree. So Somi, aapka jo 60 degree hua wo to galat ho gaya, kyunki aapne a aur c ke beech mein bataya, hai na? Ye question hi a aur c ka likha tha, galat hai. Haan, to fir question dhyan se padhiye. Theek hai, ye pehla part ho gaya. Ab second part hai, a aur minus b ka resultant chahiye. To a aur b ka minus resultant kiya, to negative of b pehle draw kar lete hain.
ये है आपका नेगेटिव ऑफ बी कैप. अब ए कैप और बी कैप दोनों तो सेम मैग्नीट्यूड का है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, उसके बाइसेक्टर पे होगा ना. यस और 2a cos थीटा / 2 यू कैन यूज नाउ, दैट्स इट. तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. तो ये बाइसेक्टर लाइन ड्रा कर लिया, दिस विल बी 30 डिग्री, दिस विल बी 30 डिग्री एंड दिस विल आल्सो बी 30 डिग्री. तो इस लाइन के अलोंग जो रिजल्टेंट आएगी, ये लाइन के रिजल्टेंट, तो क्या हो जाएगी 2 into 1 into cos of 30. यही तो होगा ना, राइट. So, पहले पार्ट का आंसर ये हो गया एंड सेकंड पार्ट का आंसर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, दैट विल बी 2 into 1 into √3/2 व्हिच इज बेसिकली √3, राइट. और अल्टरनेटिवली इसको आप वो तरीके से भी कर सकते हैं, डायगोनल वाला रूल यूज करके. अल्टरनेटिवली आप ये d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी यूज कर सकते थे. ए और बी तो सेम ही 1 है, तो 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट वुड बी 4. एंड d1 आपको पता है वो सी वाला डायगनल है, तो सी वाला डायगनल कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर. एंड प्लस d2 नहीं पता, तो d2 का स्क्वायर रहने दिया, तो d2 देखो आपको यहां पे मिल गया कितना रहा है, √3 आ रहा है. So what is this last thing you wrote, d1 square plus d2 square is 2a square plus b square. This is, I understood this from that form. Yes. From here you got, from that time theory you proved it. So over here the diagonal, what you have to find a minus b. So a minus b was a minus b was one diagonal. A plus b was another diagonal. Achha. And c is another over here, na, which you've taken as d1 because that magnitude of c ka thing, na. C is basically d1. C, because it's a unit vector, na. So you've taken that if we are finding out the magnitude of vector a minus vector b, then we can also use that normal formula that we have before. Yes, you can use that a square plus b square plus 2ab into cos of theta, wo sum ke liye, and minus ke liye minus of cos theta. So you've written 2 into 1 into root 3 by 2 aapko. Can you tell me? I understood you did it in two ways over here. That A minus B, what way you used over here, sir? A cap minus B cap? When two vectors are... Sorry, I got. Sorry. ...is along the bisector line. Yourself, you yourself said the formula. 2 into A into cos theta. Sorry, I'm sorry. Okay, understand everyone here. Let's go ahead. Check it. So can you just show the diagram again? So okay. Also, can you just show that? It's fine. आप बाद में देख लेना, मैं स्क्रीन पर आपको भेज दूँगा, वहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है? हाँ हाँ, sure, yes. आपके तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है. तो जैसे तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर आप ड्रॉ करते हो, one is x-axis, the other is y-axis, and the other is z-axis. Draw to kar rahe hain, you know, ek screen pe draw kar rahe hain. So, ye screen pe draw kar rahe hain, but isko dhyan rakhna, ye three-dimensional figure hai. Theek hai? Three-dimension mein hai. Generally, ye jo x aur y-axis jo humne draw kar rakha hai, ye x aur y-axis jo hai, wo basically screen ke plane mein hai. Aur jo z-axis hum draw kar rahe hain, usko, you know, screen ke bahar draw kar rahe hain, screen ke bahar. So, isme x-axis ke along jo unit vector hum choose karte hain, conventionally, that is written as i-cap. y-axis के along जो unit vector choose करते हैं, conventionally इसको हम j-cap choose करते हैं, z-axis के along जो choose करते हैं, उसको k-cap choose करते हैं, ठीक है? तो अगर आपको कोई force अगर दिखाना है, जो कोई भी vector quantity दिखाना है, जो x-axis y-axis दोनों के along है, तो इसका simple सा मतलब होगा कि यू नो कि आप x-axis में जितना magnitude है, उसके साथ i-cap multiply करो, y-axis में जितना magnitude है, उसके साथ j-cap multiply करो. तो accordingly ये unit vectors आपको already बताया मैंने कि दूसरे vectors को अपने direction में choose करने के लिए help करता है. तो ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, इनको आप जस्ट याद रखिएगा, आई कैप जे कैप के कैप को याद रखनी है. इसी एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन कई बार आप ऐसा भी देखोगे, यू नो, जैसे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे ड्रा कर देते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर देंगे, इधर एक्स एक्सिस लिख लेंगे, इधर वाई एक्सिस लिख लेंगे, और यहाँ पे एक डॉट बना दिया,
तो ये डॉट जो बनाया ना ये जेड एक्सिस के लिए है. जेड एक्सिस बेसिकली ये मीन कर रहा है कि जेड एक्सिस स्क्रीन के बाहर निकल रहा है. आर यू गेटिंग द आईडिया? आर यू गेटिंग द आईडिया? स्क्रीन के बाहर निकल रहा है तो इसलिए यू नो एक डॉट बनाते हैं वहां पे. जब भी स्क्रीन के बाहर अगर कोई डायरेक्शन को पॉइंट करना होता है तो वहां पे अगर डॉट बना दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. जैसे आपने बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया होगा, याद है आपको? डॉट और क्रॉस. हां सर. यस सर. डॉट का मतलब है स्क्रीन के बाहर एंड गोइंग आउट एंड क्रॉस इज गोइंग इन. हां सर. परपेंडिकुलर टू द. ठीक है. तो जहां पे आप यू नो थ्री डायमेंशन में अगर यू नो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एग्जैक्टली तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप. ठीक है. सो अभी वेक्टर्स को हम क्या करते हैं, एक बार यू नो कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर कर लेते हैं. कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. कार्टेशियन मतलब कि बेसिकली उसको कंपोनेंट फॉर्म में, मतलब आपको तीनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट्स हैं उनके कंपोनेंट के फॉर्म में आपको लिखना है. ठीक है. तो ऐसा एक सिचुएशन कर रहे हैं, देखो यहाँ पे. अब इमेजिन करो कि इसमें एक ऐसा वेक्टर है जो प्लेन के बाहर थोड़ा सा इंक्लाइंड है. ठीक है. प्लेन के बाहर है ये. उसको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं थ्री डायमेंशनल व्यू आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आप चेक करो एक बार, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा इसको. ये देखो, ये मान लो हमारा एक वेक्टर है. ठीक है. दिस इज अ वेक्टर. ब्लू लाइन के से देखो जो मार्क कर रखा है वो वेक्टर है हमारा. आपको डायग्राम में समझ आ रहा है ये प्लेन के बाहर है थोड़ा? यस सर. आर यू एबल टू विजुलाइज इट? क्योंकि देखो ये क्यूब का डायगोनल दिख रहा है ना, बॉडी डायगोनल है तो ये तो क्लियरली ये बाहर की तरफ है. ठीक है ना. तो इसको हम कह लेते हैं दिस इज ए वेक्टर. तो इस ए वेक्टर को मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिखना है, मतलब कि इसके एक्स कंपोनेंट कितनी है, वाई कंपोनेंट कितनी है, जेड कंपोनेंट कितनी है, उनके टर्म्स में लिखना है. ठीक है. तो इसको करने के लिए मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ. देखो यहाँ पे एक लाइन खींचा, यहाँ पे एक लाइन खींच रहे हैं और यहाँ पे एक लाइन खींच रहे हैं. ठीक है. देखो इसको मैं कह रहा हूँ दिस इज ए एक्स, इसे कह रहा हूँ ए वाई और इसे कह रहा हूँ ए जेड. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो तो ए वेक्टर विल बी ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर एंड प्लस ए जेड वेक्टर. ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो वही पॉलीगॉन रूल जो आपको सिखाया था. yes, कि head to tail, yes, sir. head to tail orient करो and then final का head और initial का tail उनसे connect करना है. दिख रहा है आपको? yes, sir. ठीक है? yes, sir. yes, sir. तो ये जो ax, ay और az है ऐसा सब्सक्रिप्ट क्यों लिया? देखो ax वाला जो है वो ax एक्सिस के लॉन्ग है, ay जो है वो y एक्सिस के लॉन्ग है और az जो है वो z एक्सिस के लॉन्ग है. तो इनको रेस्पेक्टिवली आप क्या बोलोगे, कंपोनेंट या फिर प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर अलोंग द रेस्पेक्टिव एक्सिस. ax इज द कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग x एक्सिस, ay इज द कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग y एक्सिस एंड az इज द कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग z एक्सिस. समझ आ रही है आपको? गेटिंग इट और नॉट? इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड प्लस ए जेड के कैप. यही हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया. दिस बिकम्स वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन. हो गया काम खत्म. अब एक बार ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं आप. अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या लिखोगे? एक क्यूब का बॉडी डायगोनल क्या होता है? Length का square, breadth का square, height का square, L square plus D square plus S square, ये लिखते हैं ना? That's it. So ये आपका AX का square plus AY का square
एन प्लस ए जेड प्लस पे हो जाएगा बराबर ठीक है ना. अगर सपोजली आपको बोला है कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये निकालो, क्या आप फाइंड कर सकते हैं वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है? इस एंगल को बाय मॉड है. गुड, ये एंगल को अल्फा कह लेते हैं. लेट अस से दिस एंगल इज अल्फा ठीक है, और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है इसको बीटा कह लेते हैं, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है इसको गामा कह लेते हैं. ठीक है, दीज आर द थ्री एंगल्स दैट द वेक्टर इज मेकिंग विद द रिस्पेक्टिव एक्सिस. तो आपको ऑलरेडी समझाया था कि किसी भी एक वेक्टर का कंपोनेंट अगर दूसरे डायरेक्शन में चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं, कॉस ऑफ दैट क्वांटिटी करते हैं, याद है आपको? राइट, तो अगर आपको ए एक्स निकालना होता, सोच के देखो, अगर आपको ए एक्स निकालना होता तो क्या आप ऐसा लिख सकते थे दिस वॉज ए कॉस ऑफ अल्फा, कर सकते थे? राइट, सिमिलर तरीके से अगर आपको ए वाई चाहिए तो आप कर सकते थे ए कॉस ऑफ बीटा, एंड ए जेड चाहिए होता तो आप करते ए कॉस ऑफ गामा, कर सकते थे ना? तो इनसे इनसे रिस्पेक्टिवली आप कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो. कॉस अल्फा विल बी ए एक्स बाई ए, कॉस ऑफ बीटा विल बी ए वाई बाई ए, एंड कॉस ऑफ गामा विल बी ए जेड बाई ए. ये जो क्वांटिटीज हैं इनको हम डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ वेक्टर कहते हैं, इसको एल, इसको एम और इसको एन कहते हैं. ये स्टैंडर्ड नोटेशन है ठीक है, इनको कलेक्टिवली डायरेक्शन कोसाइन्स कहते हैं. ये जो लिखा है हमने दिस इज कलेक्टिवली नोन एज डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए वेक्टर ठीक है. अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अगर आपने किया तो देखो क्या आएगा आपके पास, ए एक्स बाई ए वन, गुड, ए वाई बाई ए का स्क्वायर एंड प्लस ए जेड बाई ए का स्क्वायर वन. और ये तो क्लियरली आपको दिख रहा है वन आ गया, इसका मतलब कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए. समझ आया आपको? Also, can you just explain this L square plus M square plus N square just once, sir? Value substitute कर दिया. देखो ना ये goal सा mark किया उसमें value नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ sir, हाँ sir. तो AX square plus AY square plus AZ square that is A, A का square. तो A square by A square कितना हो जाएगा? One होगा. क्या नहीं समझ आया? मुझे भी समझ में नहीं आया ये ax by a whole square ये चीज़ है. सेकंड लास्ट मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ये नहीं समझ आया? मतलब यहां से उठा के यहां पे वैल्यू डाल दिया. ये वैल्यू अगर यहां दिख रहा है मुझे तो ये वैल्यू उठा के मैंने यहां से उठा के यहां डाल दिया, ये नहीं दिख रहा है? हां सर. यस. अरे बाबा जो डाउट पूछ रहा है वो रिस्पॉन्ड करो ना बेटा. आप पूछ रहे हो कुछ, उस पर फिर म्यूट हो जा रहे हो. मैं आपको जब बोल रहा हूँ आप म्यूट हो जा रहे हो, तो फिर कैसे कम्युनिकेशन करेंगे बताओ? सर एक मिनट सर. यस सर, आई गॉट इट सर, यू जस्ट सब्स्टिट्यूटेड इट. हां सो व्हाट एल्स डिड आई डू? आई जस्ट सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू. आई हैव ऑलरेडी रिटन द वैल्यू अबव एंड आई हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड देम. यू आर सेइंग दैट आई नो यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट. व्हाट डू आई मेक यू अंडरस्टैंड दैट? नो नो, आई गॉट इट सर. नो, वन मोर गाय वाज सेइंग दैट. तो ये तो आपको वैल्यू मिल गया. अब देखो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जैसे जैसे यू कैन यू नो टेक अल्फा एंड बीटा कुछ भी आर्बिट्री वैल्यूज, जैसे एक वेक्टर दूसरे एक्सिस के साथ यू नो एक वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कितना कितना एंगल बना रहा है, अगर कोई भी दो एक्सिस के साथ एंगल दे दिया है तो थर्ड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा ये तुरंत आपको पता चल जाएगा. विल यू एबल टू फाउंड फाइंड आउट? अल्फा बीटा और गामा का कोई भी आर्बिट्री वैल्यू चूज नहीं कर सकते. जैसे मान लो मैंने अल्फा बीट सपोज ली, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि एक ऐसा वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ यू नो 30 डिग्री बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ 30 बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? एक्स एक्सिस के साथ अगर 30 बनाया है उसने तो cos square 30 कितना हो जाएगा? 3/4. Y axis के साथ भी बोलने बोला 30, तो इसका मतलब cos square 30 फिर से 3/4. तो 3/4 plus 3/4 ये तो 1.5 हो गया. Yes. तो 1.5 अकेला ही ये दोनों हो गया, तो फिर definitely value तो 1 exceed कर चुका है. इसका मतलब ये absurd values दे रखा है. ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको कि एक वेक्टर जो है कोई भी आर्बिट्री एंगल्स किसी एक्सिस के साथ नहीं बना सकता.
वो कुछ पर्टिकुलर एंगल्स ही बना सकता है जहां पे cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma इन तीनों का सम जो होना चाहिए वो बेसिकली 1 होना चाहिए. So this is the law, right? This is the cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1. This is actually the law. Yes, आप इसको लॉ की तरह सोच सकते हैं, ठीक है? वेक्टर कैन नॉट हैव एनी आर्बिट्री एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. इट हैज टू हैव एंगल्स अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा नीड्स टू बी नेसेसरीली इक्वल टू 1. ठीक है, ठीक है. यस सर, यस सर. ओके सर, कैन यू जस्ट गो अप अ बिट? इज कोई पार्ट छूट रहा है तो बार बार कह रहा हूँ, कोई पार्ट छूट रहा है तो इतना परेशान मत होइए. मैं आपको स्क्रीन स्क्रॉल भेजूंगा, आप उसको बाद में वहां से कॉपी कर लेना. यस सर, यस सर. कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल. मान लो दो वेक्टर्स का पैरेलल होने का कंडीशन आपसे पूछे. जैसे मान लो कि आपको दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड प्लस ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर दे रखा है आपको बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप एंड प्लस बी जेड के कैप, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर. तो कंडीशन क्या होना चाहिए? इसका मतलब ए वेक्टर हैज टू बी अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी. होगा नहीं होगा? x by bx equals to ay by by equals to az by bz. x by ay equal to x by bx equals to ay by bz. हाँ हाँ, वो हो जाएगा. ठीक है, जैसे a वेक्टर अगर k टाइम्स ऑफ b वेक्टर है, क्योंकि आपको ऑलरेडी समझाया था मैंने कि पैरेलल होने का मतलब है कि एक है कि वन है तो ये मल्टीपल ऑफ बी अदर. तो इससे इसमें आप क्या कैसा कंडीशन लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड प्लस ए जेड के कैप, दैट हैज टू बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप एंड प्लस बी जेड के कैप, एंड देयरफॉर आपके पास क्या आ रहा है? ए एक्स बिकम्स के टाइम्स ऑफ बी एक्स, ए वाई बिकम्स के टाइम्स ऑफ बी वाई, एंड ए जेड बिकम्स के टाइम्स ऑफ बी जेड. अगर आप देखोगे तो के वाला फैक्टर तो सब में कॉमन है. इसका मतलब कि जब आप ए एक्स बाई बी एक्स कैलकुलेट करोगे तो ये ए वाई बाई बी वाई से मैच करना चाहिए और ये ए जेड बाई बी जेड से मैच करना चाहिए. That's it. इसका मतलब अगर दो वैक्टर्स पैरल है तो उस केस में ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. बट सो दिस इज द कंडीशन फॉर टू वैक्टर्स टू बी पैरल, मतलब उनके जो रेस्पेक्टिव कॉम्पोनेंट्स हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में उनका जो रेशियो होना चाहिए वो आपका सेम होना चाहिए. समझ आई सबको यहाँ तक? यस सर. ओके सर, कुड यू प्लीज स्क्रॉल अप अ बिट? आई जस्ट मिस्ड द लास्ट लाइन. यू जस्ट मिस्ड द लास्ट लाइन. यस सर. सर द रेशियो पार्ट दैट यू सेड. Okay, sir. Thank you. So there's also one more condition now for both of them to be parallel that comes in cross product. That will give you the same result. Huh? A cross B equals to zero. That will give us the same result, no? Mm-hmm. Abhi, let us not focus on that. Haan, abhi, jahan pe jitna padh rahe hain, us pe focus kare, hai na? So application pe aate hain abhi. Jaise abhi tak jitna padha hai, us pe base karke chote chote aapko jaise application batata hu. Let us say A vector and B vector are known to be like vectors. Like vectors. Like vectors का मतलब क्या है? अच्छा सर. बताओ. Parallel. But like मतलब anti-parallel. Same magnitude. नहीं नहीं नहीं, लाइक का मतलब होता है एक जैसा. जैसे एक फोर्स है तो दूसरा भी फोर्स है, एक डिस्प्लेसमेंट है तो दूसरा भी डिस्प्लेसमेंट है, एक अगर वेलोसिटी है तो दूसरा भी वेलोसिटी है. आप जैसे वेक्टर एडिशन करते हो, ए प्लस बी लिखते हो,
तो ए और बी सिमिलर टाइप का वेक्टर होना चाहिए या डिसिमिलर को भी आप ऐड कर सकते हैं? क्या आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड कर सकते हैं? तो लाइक वेक्टर्स कहने का मतलब यही है कि बेसिकली वेक्टर जो है सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए. समझ आ रही है? ठीक है. हां सर. ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नोन टू बी लाइक वेक्टर सच दैट देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड हैज अ मैग्नीट्यूड half of b vector as a magnitude half of b vector find the angle between a vector and b vector batao kya hoga try karo aapke paas 1 minute ka time hai अच्छा ये बताओ मुझे ए और बी के बीच में एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? ऑब्ट्यूज है सर. सर ऑब्ट्यूज क्योंकि ऑलरेडी उसने दे रखा है कि एक वेक्टर के साथ उसका 90 डिग्री एंगल है तो ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज एंगल है. तो आप ऐसे ही कुछ ड्रा करेंगे जब आप वेक्टर्स को ड्रा करेंगे जैसे ये इफ दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर सोचो ठीक है दिस इज बी वेक्टर तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल है यू नो रिजल्टेंट जो होना चाहिए वो ए से परपेंडिकुलर होना चाहिए तो कुछ ऐसा दिखेगा समवेयर लाइक दिस होगा ना राइट. तो इससे आपका अगर पैरेललोग्राम बनाओगे तो देखो ये पैरेललोग्राम बहुत एब्सर्ड दिख रहा है क्योंकि आप अगर यहां से सोचो ये देखो आप यहां से अगर देखोगे इतना छोटा लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ पे इतना बड़ा लाइन तो नहीं हो सकता ना तो यहाँ पे इसको आपको इतना छोटा कट शॉर्ट करना पड़ेगा. आपको दिख रही है समझ आ रही है? ठीक है. तो इतना लंबा लाइन जो हमने ड्रॉ किया उसको हटा दे रहे हैं. सो ये आपका ए वेक्टर है और ये भी आपका बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है. सही है ना? ये रिजल्टेंट है. ठीक है. ठीक है. ओके इस ज्योमेट्री को देखो. इस ज्योमेट्री को देखो. अगर मैं ये एंगल को अगर थीटा कहता हूँ लेट्स से दिस एंगल इज थीटा तो क्या आपको ये पता है कि cos थीटा का वैल्यू कितना है? देखो तो cos थीटा का वैल्यू कितना है? r by b राइट और क्या ये उसने दे रखा है आपको हाफ दिया हुआ है ना. इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 और अगर थीटा 60 है इसका मतलब एंगल बिटवीन a एंड b कितना है? 150. सो एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज 150 डिग्री. ठीक है. तो इसलिए देखो अभी इसमें देखोगे अगर तो मैंने कुछ फॉर्मूला नहीं लगाया है जस्ट बेसिक ज्योमेट्री यूज किया है जो कंडीशन दिया हुआ था और उसके बाद सिंपल ट्रिगोनोमेट्री ठीक है और कुछ नहीं है cos थीटा sin थीटा tan थीटा बस इतना ही यूज करना है और कुछ नहीं है. क्लियर है ना ये? यस. अगर आपको ए और बी के बीच में देखो ट्राइंगल लॉ से सॉरी हेड टू टेल निकालो या फिर हेड टू हेड निकालो दोनों में से या टेल टू टेल निकालो देखो सबसे एंगल सेम ही आ रहा है थीटा प्लस 90 वो हमने टेल टू टेल से लिया है और अगर हेड टू टेल से लोगे तो एक्सटीरियर एंगल लेना पड़ेगा और एक्सटीरियर एंगल तो यही वाला लेंगे ना हम. दिख रहा है आपको? हां सर. दिस विल बी थीटा प्लस 90 डिग्री राइट व्हिच इज बेसिकली 150. तो नेक्स्ट क्वेश्चन का
two sides of a triangle. Triangle are given by vectors I cap plus 3 j cap minus 4 k cap and 2 I cap minus 7 j cap and plus 4 k cap. Find the third side length and also a force of 5 newton along the third side. बताओ इन दोनों का आंसर क्या आएगा. सर वो सेकंड क्वेश्चन मैग्नीट्यूड में आएगा. वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है. मैग्नीट्यूड तो तुमको 5 न्यूटन दिया है तो तुम क्या 5 न्यूटन. अच्छा हाँ हाँ अजीब लड़के हो. So for the third side, you simply just add these two vectors and then take out its resultant, right? Like 3i cap minus 4j cap. Mm-hmm. And then you find out the third side length, right? Then you get 5. And so what is the second question exactly? A force of 5N along the third side? 5 newton. 5N means 5 newton. No, right, but what do we have to find? Find the... Okay, check it. Let's say this is A vector. And say this is B vector. Okay? So the third side length will be this line. Right. A plus B. But its direction is ambiguous. Its direction is ambiguous. मतलब कि उसने ये नहीं बोला कि किधर से लेना है. आपको A से B की तरफ लेना है या B से A की तरफ लेना है तो नहीं बोला ना उन्होंने. So दोनों में से कोई भी एक choose कर सकते थे. So this will be A plus B, and ये हो जाएगा minus of A plus B. होगा ना? Yes. Right? So जो third side है, C vector, इसको अगर C vector कह रहे हैं, so C vector could have been plus minus of A plus B. हो सकता था ना? Yes. Right. ठीक है? थर्ड साइड बोला उसने. उसने ये थोड़ी ना बोला है कि A वेक्टर और B वेक्टर का सम निकालो. उसने ऐसा तो नहीं बोला कहीं? बोला है क्या? Right. नहीं. तो थर्ड साइड तो कोई भी हो सकता था. मतलब A plus B भी हो सकता था और माइनस ऑफ A plus B हो सकता था. तो इसकी वैल्यू को अगर देखोगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज प्लस माइनस ऑफ. और A plus B क्लियरली आप देखोगे, जैसे फर्स्ट वेक्टर को A और सेकंड वेक्टर को B मान लें, तो 1 plus 2 is 3 and 3 minus 7 is minus 4 and minus 4 plus 4 is 0. So, ये जाएगा 3 i cap and minus of 4 j cap. ये आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. So, this is the third side, ठीक है? But इसका magnitude अगर निकालोगे, magnitude, तो कितना आएगा? Root under 3 का square plus 4 का square. Five. Which is basically 5. तो ये आपका first part का answer हो गया, ठीक है? अब second part का 15 i cap minus 20 j cap. सुन लोगे एक बार या नहीं सुनोगे? हाँ, सर. अब उसने सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला, एक ऐसा फोर्स जो कि 5 न्यूटन का हो
और थर्ड साइड के अलोंग ऐड कर रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन, मतलब या तो इधर हो है ना ऐसा कुछ राइट, पैरेलल होना चाहिए इसके साथ, देखो तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना राइट, या तो ऐसा या फिर ऐसा, ये तो होगा ना हाँ, तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते थे, तो आप फोर्स को लिखते तो क्या लिखते, फोर्स वुड बी 5 न्यूटन और किस डायरेक्शन में, सी कैप के अलोंग, सी कैप के अलोंग या सी वेक्टर के अलोंग, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 5 रखना है, तो 5 से जब आप सी को मल्टीप्लाई करोगे, सी का मैग्नीट्यूड तो खुद ही 5 है, तो 5 से 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा ना वो राइट, इसलिए सी से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे आप, सी कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या लिखेंगे आप 5 न्यूटन एंड सी कैप क्या है, वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये तो लिखेंगे राइट राइट, इसको ऐसे लिखेंगे दिस इज 5 न्यूटन एंड इनटू सी इज 3i कैप, ये प्लस माइनस के साथ होगा, फिर ये प्लस माइनस के साथ आएगा 3i कैप माइनस 4j कैप एंड डिवाइडेड बाय 5, तो ये 5 5 कट गया, इसका मतलब जो गिवन वेक्टर था वही आंसर हो जाएगा, सो दिस इज प्लस माइनस ऑफ 3i कैप माइनस 4j कैप आंसर है न्यूटन, got it? Yes sir. और ये 15 और 20 वाले कौन है, 15 i कैप 20 j कैप कौन थे, कौन थे, जो वेक्टर फॉर्म है और उसका थर्ड साइड लेंथ का सेम आया है, मतलब इसका मतलब कि क्या होगा, मतलब कि इसका एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज, अरे 5 न्यूटन का फोर्स है ना इसलिए, हाँ. अरे सी का भी मैग्नीट्यूड 5 आया था इसलिए हो रहा है ये, इससे मैथमेटिकली समझ में आ गया, अगर वो लॉजिकली समझना होगा तो दोनों का सेम आया, मतलब कि थर्ड साइड लेंथ के बराबर ही है इसका फोर्स, थर्ड साइड लेंथ, अरे हाँ थर्ड साइड लेंथ वही सोच लो, थर्ड साइड लेंथ के बराबर ही इसका फोर्स है, ठीक है वैसे ही सोच सकते हो, ठीक है Yes. Also, over here in this particular question, you've assumed it like in two directions. Like one you've assumed A plus B and the other you've assumed minus of A plus B because the direction, it wasn't clearly mentioned in the question. Yes, yes. Both, side yes. Along. Haan. Haan, haan, haan. Toh dono aapko consider karna padega. Dono consider, theek hai, sir. Achha. टू वेक्टर्स नहीं लिखे ऐसे, थ्री वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड एज गिवन इन ऑप्शंस बिलो, ऑप्शंस बिलो विच ऑफ देम कैन form a closed polygon with the three vectors, options aapko diye hue hain 8 2 6 3 5 9 12 6 10 9 4 5 ऑप्शन सी और कोई नहीं, ऑप्शन ए एंड डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए एंड डी, ए एंड डी, इफ ए एंड डी ये जो वेक्टर्स मैंने दिखा रखा है ये पहले दोनों, ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि लेट्स से देयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है,
तो c वेक्टर जो होना चाहिए मतलब जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो कहां से कहां के बीच में आना चाहिए, जो फर्स्ट केस का लिखें फर्स्ट के लिए. अगर फर्स्ट केस में मैं लिखूं तो r विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 में से 2 गया 6 8 माइनस 6 राइट 8 माइनस 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 8 प्लस 2 राइट. सेकेंड वाले ऑप्शन में r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 प्लस 3 सॉरी 5 माइनस 3 5 माइनस 3 and 5 plus 5 3. Third option mein r should be greater than or equal to 12 minus 6 and less than or equal to 12 plus 6. And fourth wale option mein r should be greater than or equal to 9 minus 4 and less than or equal to 9 plus 4. Ab aap check kar lo kisme ye range lie kar raha. First wale mein dekho. 6 ke aaya us range mein hai ya nahi. 8 minus 2 is 6. To 6 ho sakta hai nahi ho sakta. Ye ho sakta hai. Ho sakta hai. Theek hai. तीसरा दूसरा ऑप्शन देखिए अगर तो पांच और तीन का डिफरेंस क्या है 2 और पांच तीन का सम कितना है 8 तो ये तो नहीं हो सकता सो दिस कैन नॉट बी ट्रू. ठीक है फिर 12 और 6 का सम 18 12 और 6 का डिफरेंस 6 तो 6 से 18 के बीच में 10 तो है हो सकता है. 9 एंड 4 का डिफरेंस 13 सॉरी 9 और 4 का डिफरेंस 5 एंड 5 और 9 और 4 का सम 13 तो ये भी हो सकता है राइट राइट. बट एक चीज अगर नोटिस हो गया तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन ना एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि ये बेस्ट ऑफ द फोर नहीं है. अगर ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो ये बेस्ट ऑफ द फोर नहीं है. क्यों बताओ? क्योंकि देखो अगर मैं 8 न्यूटन सोचो 8 और 2 का रिजल्टेंट 6 का आ सकता है. सोचो अगर मैं 8 न्यूटन फॉरवर्ड लेता हूं सपोजली ये 8 न्यूटन सपोजली ये 8 यूनिट्स फॉरवर्ड है ठीक है दिस इज 8 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स बैकवर्ड है ठीक है ऐसा दिखा देता है. ये सोचो ये 2 यूनिट्स बैकवर्ड है दिस इज 2 यूनिट्स ठीक है. तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप देखोगे इन दोनों का रिजल्टेंट तो क्या ये 6 आएगा या नहीं? यस सर बट इज दिस अ पॉलीगन बट इज दिस अ पॉलीगन नो नो सर दिख रहा है ना आपको ये पॉलीगन नहीं है. और अगर पॉलीगन नहीं है तो बेस्ट ऑफ द फोर हुआ क्या ये? मतलब जहां पे आपको दिख रहा है ऑप्शन सी इज अ पॉलीगन दिख रहा है राइट बट ए एंड सी ए सॉरी ए एंड डी आर नॉट पॉलीगन क्योंकि 9 4 एंड 5 वाला भी एग्जांपल वही है. देखो आप दिख रहा है आपको दिख रहा है आपको? हाँ सर. तो इसका मतलब ये वाला भी आपका इनकरेक्ट हो गया सॉरी वैसे निकाल ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया और ये भी इनकरेक्ट हो गया. तो बेस्ट ऑफ द फोर कौन सा हो? सी. सो कैन यू अच्छा जस्ट वन मोर टाइम प्लीज एक्सप्लेन सर. क्या एक्सप्लेन करूं बेटा बोलो आप. आपको ये समझ आ गया ये पॉलीगॉन नहीं बन रहा है और उसने बोल रखा है पॉलीगॉन बनाना है आपको तो क्या इसमें समझाऊं? पॉलीगन नहीं बन रहा फिर ये भी समझाऊं? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है यहाँ पे तो पॉलीगन कैसे बनाइए? हाँ सर. हाँ अगर ये क्वेश्चन बोलते हैं ना रिजल्टेंट जीरो सिर्फ इतना बोलते हैं पॉलीगन वॉलीगन कुछ नहीं बोलते तो फिर उस केस में ए सी डी तीनों ही हो जाता करेक्ट. समझ आ रही है? ए एंड सी आर नॉट फॉर्मिंग पॉलीगन ठीक है. ए एंड डी पॉलीगन फॉर्म नहीं करेंगे वोंट फॉर्म पॉलीगन ठीक है ना इसलिए उसको चूज नहीं किया मैं. सर सी को भी तो लाइन के एंगल से देख सकते हैं ना. कैसे देखोगे? दिखाओ दिखाओ मुझे बना के दिखाओ. इवन दो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इज पॉसिबल. We won't choose this as an answer. जब तुम ट्रायंगल बना रहे हो तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनाएगा उसमें मुझे समझाएगा थोड़ा सा? बताओ मुझे थोड़ा सा. ओके सर ठीक है. वो पहले लग रहा था कि मतलब वो भी लाइन जैसे हो सकता है. कैसे लाइन से हो सकता है? लाइन से होगा तब तो पैरेलल मतलब 12 और 6 18 वो 18 होता या फिर 6 12 6 का सम अगर आपको 18 दे रहा था या 12 और 6 का सम अगर 6 दिया होता तब फिर आपको 10 कैसा पुश स्ट्रेट लाइन जाएगा. ओए सर स्लाइड थोड़ा सा सब ऊपर कर दीजिए ना सर दिखाई नहीं दिया पहले वाला. हां सर लिख लेते हैं. अब लिखने का काम आप बाद में करना. आपको स्क्रीन स्कॉल बाद में भेजूंगा वहां पे क्लास बहुत डिले हो रहा है इससे. ठीक है सर मैं आपको स्क्रीन स्कॉल भेजूंगा उससे आप आराम से कॉपी कर पाएंगे बाद में. देखो अभी नहीं देखो
a person walks 10 meters along east and then makes 60 degrees turn towards his left, towards his left, and then again walks 10 meters. This way he keeps on making a left turn of 60 degree, left turn of 60 degree after every 10 meters travel in a straight line. Straight line. Find its net displacement in magnitude and direction. When he is about to take the 8th turn. बताओ क्या होगा इसका? देखो क्या रही है? जो शेप होगा वो हेक्सागन की तरफ होगा। गुड गुड, ये अच्छा ऑब्जर्व किया आपने। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। नहीं जीरो नहीं होगा। एट्थ टर्न, एट्थ टर्न बेटा। When he is about to take the 8th turn. In route 3. Direction? Direction. Direction. যদি ম্যাগনিচিউড বেরিয়ে গেছে ডাইরেকশন বেরিয়ে গেছে নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট এরকম করে বলবি স্যার ডিরেকশন স্যার নেট ডিসপ্লেসমেন্ট 10 মিটার টুয়ার্ডস লেফট দেখো দেখো মে কররো দেখো তো ডিরেকশন স্যার বল 30 ডিগ্রি নর্থ অফ ইস্ট ঠিক আছে ঠিক করেছো দেখো চেক করো ये स्ट्रेट जा रहा है ईस्ट की तरफ ये 10 मीटर ठीक है उसके बाद उसने कह रखा है कि ये अपने से जाने वाला डायरेक्शन में से लेफ्ट टर्न 60 डिग्री कर रहा है अपने माइक्रोफोन को प्लीज ऑफ करके रखिए आप लोग बहुत नॉइज हो रहा है इधर से लेफ्ट टर्न किया 60 डिग्री देखो यही है ना लेफ्ट टर्न देखो तो ये 60 डिग्री देखो इजंट इट 60 डिग्री राइट फिर से आपको क्या करना है फिर से इस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में फिर से आपको 60 डिग्री लेफ्ट टर्न करना है तो दो बार अगर 60 डिग्री लेफ्ट टर्न किया तो टोटल कितना हो गया 120 राइट यस सर उसके बाद फिर से 10 मीटर्स ट्रैवल करने के बाद फिर से आपको 60 डिग्री लेफ्ट टर्न करना है तो तीन बार अगर 60 डिग्री टर्न किया आपने तो कितना टर्न किया 180 और 180 अगर टर्न किया आपने तो एंटी पैरेलल हो गए नहीं हो गए प्रीवियस के रिस्पेक्ट में Yes, so you became with the previous respect, yes. Right, so initial direction of motion ke respect mein 180 degree ka turn ho gaya hai. And uske baad fir aap kya karenge fir se, iske respect mein fir se 60 degree. So ab to aapko dikh hi raha hai ek regular hexagon banne wala hai. Dikh raha hai aap sabhi ko? Are you able to visualize it? Yes, sir. Basically, closed polygon banna hai jiska exterior angle kya hai? Exterior angle is? 60 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल अगर 60 डिग्री है तो 360 बाय 60 कर लिया तो ऑब्वियसली क्या बनेगा आपका एक हेक्सागन ही तो बनेगा ठीक है तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था देखो दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ये स्टार्ट किया था उसने फर्स्ट टर्न सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट दिख रहा है आपको तो
आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब यहां से यहां तक का लाइन का लेंथ, क्या आपको यही फाइंड करना है? चेक करो. यस सर. क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दिख रहा है वहां के साथ? आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रही है? यस सर. आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आपको पता है 120 है, ये एंगल, ये 120 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो गया? 30 होगा. क्या होगा ना? यस यस सर. क्योंकि एंगल 120 है. उसके बाद फिर यहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, देखो मैंने आपको बोला है कि आप रिजल्टेंट निकालते वक्त सिंपली सिंपल ज्योमेट्री यूज करो. देखो सिंपल ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं. तो अभी देखो ये 10 मीटर का अगर आप प्रोजेक्शन लेते इस तरह, तो ये लेंथ कितना आता? व्हाट वुड दिस लेंथ बी? 10 cos 30. यस सर. यस सर. सिमिलर तरीके से अगर यहां पे भी आप निकालते, यहां पे भी ये लेंथ भी निकालते आप, तो ये भी कितना आता? 10 cos 30, राइट? इसका मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया? अगर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे वेक्टर से इंडिकेट कर रहे हैं, 2 × 10 × cos 30, राइट? एंड cos 30 मतलब √3/2. ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन किस तरफ है? देखो ये डायरेक्शन आपको पता है, दिस डायरेक्शन इज ईस्ट एंड दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ, राइट? तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ टर्न किया हुआ है कितना? 30 degrees. तो इसको बोलेंगे आप 30 degrees नॉर्थ ऑफ ईस्ट. सो दिस इज 10√3 meter. 30 degrees north of east. Got it? Yes, sir. So just this 30 degrees angle you found out from inside, right? So, so it became 120. Then simply it becomes an isosceles, 30-30 on either side. You calculate the net distance because he stops at 2. Like at the 8th turn, when we are supposed to find, we're supposed to stop at 2. Position 2, position 8, it's the same thing. So, from the start, looking at it, it's 2 × 10 cos 30. Then what we get? So, that's why we got a 30, because that direction it makes with the horizontal is 30 degrees. Actually, the net displacement. Yes, sir. I got. I understood, sir. Yes, sir. देखो नेक्स्ट एक. हेलो सर. हाँ जी बोलिए सर. कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट स्टेप सर. सर हाउ यू गॉट द एस सर? दैट लास्ट पार्ट आई कुडंट अंडरस्टैंड. अच्छा लास्ट पार्ट यू कुड नॉट अंडरस्टैंड. यू अंडरस्टूड दिस डायग्राम? यू अंडरस्टूड द डायग्राम? हाँ डायग्राम आई कुड अंडरस्टैंड. अच्छा तो 10 cos 30 plus 10 cos 30 is 2 10 cos 30 এটা বুঝিসনি তুই? হ্যাঁ না এটা আমি বুঝেছি, মানে আমি বলতে চাইছি যে ওই স্টার্টটা থেকে ওইখানে যেটা সেটাই বুঝিনি, মানে ওই লাস্ট যে ট্রায়াঙ্গেল পার্টটা এটা করলেন সেই পার্টটা আমি বুঝিনি. 8th টার্ন কোথায় হচ্ছে আর স্টার্টিং পয়েন্ট কোনটা, এই দুটোর মধ্যে যে লাইন ড্র করলাম সেটা বুঝিসনি তুই? ও আচ্ছা আচ্ছা. হ্যাঁ স্যার. হ্যাঁ স্যার বলে দিয়েছি 8th টার্ন. স্যার বুঝিয়েছি. A bird flies in horizontal plane and moves, say 3 meters along north, then 4 meters along east, and then 12 meters vertically upwards. Vertically upwards. What is its net displacement? बताओ बताओ क्या रह गया? 13 meter. सर 13 meter. गुड गुड. 13 meter नॉर्थ ईस्ट. এইটা ভুল বললি. এক মিনিট ঠিক আছে. এক মিনিট
Let us say this is not, and this is east. ठीक है? तो अभी हमारे पास जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसा है, पहले गया है नॉर्थ की तरफ, 3 meter शायद गया, हाँ 3 meter. सो 3 meter शायद ईस्ट गया ना, नहीं यार नॉर्थ है, ठीक है 3 meters अलॉन्ग नॉर्थ है, सो दिस इज 3 meters. फिर उसने कहा है कि वो ईस्ट गया है 4 meter, तो ईस्ट गया 4 meter, एंड उसके बाद फिर वर्टिकली अपवर्ड्स मूव किया है. ये बोर्ड मतलब ये टेबल के सरफेस के जैसे सोचो ऊपर है. अच्छा ओके, आर यू गेटिंग इट? यस सर. यस ठीक है, ये सिचुएशन है. तीसरा वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लेन में नहीं है, वो प्लेन के ऊपर है, मतलब वर्टिकली ऊपर से, समझ आ रही है आपको? है ना, जैसे प्लेन के बाहर है, मतलब वो जो टेबल का प्लेन है टेबल के प्लेन के ऊपर जा रहा है, दिस इज वर्टिकली अपवर्ड्स. तो जो डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है वो ये निकालना है. ठीक है, ये 12 मीटर है. तो बेसिकली ये x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस की तरह ही हो गया ना, हो गया नहीं हो गया? हां सर. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आप निकालोगे क्या लिखोगे आप? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो लिखोगे रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड प्लस 12 का स्क्वायर, एंड दिस इज बेसिकली 13 मीटर. ठीक है, एंड डायरेक्शन आप इसका बता सकते थे क्या? आप ये बोल सकते थे नॉर्थ ईस्ट है, बोल सकते थे क्या? नहीं ना, क्योंकि तो ऊपर की तरफ है ना. नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल प्लेन है. है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो नहीं है, ऊपर की तरफ है ना, थोड़ा सा इंक्लाइन है ना, तो ये वर्टिकल अपवर्ड्स भी है. इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में जनरली आपसे डायरेक्शन ऐसे पूछेंगे नहीं, डायरेक्शन इसमें नहीं पूछेंगे आपसे, आपको बस मैग्नीट्यूड ही पूछते हैं, इस तरह से कॉम्प्लिकेट करके फिर डायरेक्शन नहीं पूछते आपसे. ठीक है, समझ आ गई सबको? सो अंडरस्टूड द डायरेक्शंस, जस्ट द कैलकुलेशन पार्ट, व्हाट, हाउ यू गॉट 13 x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के कंपोनेंट्स है ना बेटा. ओहो, s वेक्टर विल बी s x, अरे इसको x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस की तरह सोचो ना. राइट, यस सर. दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, सो ये हो जाएगा आपका 3 i कैप माइनस 4 j कैप एंड प्लस 12 k कैप, दैट्स इट. अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? राइट सर, जस्ट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 का होल रूट. वही तो क्या है, वही तो क्या है. ठीक है सर, हम 3 j कैप प्लस 4 i कैप लिखे हो, राइट है? मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन वेक्टोरियली फॉर्म में. हां हां, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं सर. डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट बोला जाए কি করে বলা যাবে? নর্থ ইস্ট নর্থ ওয়েস্ট এইগুলো সব হরিজন্টাল প্লেনে আছে. কি হরিজন্টাল প্লেনে ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে তুই বল আমাকে. এই যে নর্থ ইস্ট সাউথ ওয়েস্ট আমরা এইগুলো বলি, এইগুলো সব হরিজন্টাল প্লেনে হয়, উপরের দিকে মানে আকাশের দিকে কি হয়? নর্থ সাউথ ইস্ট. হ্যাঁ তাহলে next question. A person moves 100 meters towards north, 100 meters bola 10 likha hai, ek minute. Meters towards north. Thereafter, makes a turn of 90 degrees towards his right. Towards his right, and then travels 50 meters. Thereafter, makes a turn towards southwest and travels
50 root 2 meters. Find its net displacement. बताओ कितनी हुई है? ड्रॉ करते हैं इसको, देखो एक बार चेक करते हैं। पहले 100 मीटर्स नॉर्थ मूव करना है, सो 100 मीटर्स नॉर्थ मूव कराएं पहले, फिर अपने राइट की तरफ ये टर्न किया है, मतलब इधर फॉर 50 मीटर्स, दिस इज 90 डिग्रीज टर्न, ठीक है, एंड दिस इज 50 मीटर्स, देन ही अगेन टर्न साउथवेस्ट, साउथवेस्ट अब उसने कह रखा है, अब साउथवेस्ट तो बेसिकली इस तरफ हो जाएगा ना, downwards, yes, yes, right? A little downwards towards the left. If this is 50 root 2 and southwest कह रखा मतलब 45 degree आपको मानना है, 45 degree, इसके दो component आप break कर सकते हैं, इधर से हो जाएगा 50 root 2 into 1 by root 2, होगा ना? हाँ. Right? तो हो जाएगा 50 meter and इधर से भी अगर आप notice करोगे, तो this will again be 50 root 2 into 1 by root 2, which is basically 50 meter again. तो 50 root 2 southwest is same as 50 meters west and 50 meters south, right? Yes, sir. Yes, sir. So, your third line is, can you show this? Like this? 50 meters. This is 50 root 2. Can you show it? Right? Yes, sir. Can you show it? 50 root 2. Because this 50 root 2 has two components. This 50 root 2 has two components. One is this way. This is 50. And one is this way. 50. Can you show it? Yes, sir. देखो ये दोनों 50 तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, दिख रहा है आपको? Yes, sir. बस एक बचा हुआ है ना, नीचे वाला 50 और ऊपर वाला 100 बचा हुआ है. 100. So you can just say 50 m towards the north now because exactly. You resolved exactly. It. Exactly. So this is 100 minus 50 and that is 50 newton. That's it towards north. समझ आई? Yes, sir. Meter. हाँ meter, meter of. Meter over. So could you have done it in another way, where yeah. Actually you go first, you go 100 meters north and then you take a right towards 50 mm-hmm. meters. So if mm-hmm. you just take the resultant of this two and then subtract 50 root 2 from it, or will it become 2? No. It won't give you the right answer. क्योंकि ये जो 100 क्योंकि ये सोच के देखो ये देखो ये line का जो displacement है ये लाइन का जो डिस्प्लेसमेंट है और 50 root 2 का जो डिस्प्लेसमेंट है क्या दोनों सेम लाइन पे है? No sir, no. तो क्या उनको ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना? नहीं सर. नहीं गलत हो जाता है. Exactly, yes sir. ठीक है. Let us say this is A vector, this is B vector, and this is C vector. And यहाँ पे there are three points A, B, and C. Given is AC is equal to 3 times of AB. ठीक है ये given है. और आपसे पूछा है find a relation between A vector, B vector, and C vector. Yeah, pull it up.
Also, just give me two minutes, sir. Oh. Hello. हाँ बेटा बोलिए. सर मैंने किया है लेकिन मुझे डाउट है मतलब सही है कि नहीं तो कोई बात नहीं अभी तुरंत डिस्कस करते हैं ठीक है तुरंत थोड़ा डिस्कस करते हैं तो क्या c वेक्टर प्लस 3a वेक्टर इक्वल्स टू 4b वेक्टर चेक करते हैं मैं भी करता हूं आप देख लेना मैच करा लेना ठीक है हां ठीक है सर हां बेटा बोलिए सर हां हां क्या हुआ मैं बोलती माने 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 उसने दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ ए बी है तो क्या हम ऐसा ले सकते हैं कि इस कंडीशन से क्या हम ऐसा ले सकते हैं कि बी सी विल बी 2 टाइम्स ऑफ ए बी Yes, sir. ले सकते हैं ना yes, sir. ठीक है hmm. अरे हाँ है ना तो बोल दो सभी अभी देखो मैं अपने डायग्राम को देखो उसमें एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल है ठीक है छोटे ट्रायंगल में आप ए बी वेक्टर को पहले निकालो ए बी वेक्टर ठीक है तो क्या हम ऐसा ले सकते हैं देखो ट्रायंगल लॉ फॉलो कर रहे हैं देखो ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर will be equal to b vector ऐसा ले सकते हैं क्या yes sir yes sir ठीक है yes sir similar तरीके से b vector plus bc vector will be equal to c vector ऐसा ले सकते हैं yes sir yes sir अब ab और bc तो parallel है ना right yes तो क्या हम ऐसा ले सकते हैं कि bc vector will be equal to twice of ab vector Yes, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन तो एक ही है राइट तो अब बीसी का वैल्यू को इधर से सब्स्टिट्यूट करो बीसी वाज सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड दिस वाज ट्वाइस ऑफ एबी एबी वाज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर दैट्स इट सो देयरफॉर 3b वेक्टर ये b इधर चला जाएगा तो 3b हो जाएगा माइनस ऑफ 2a वेक्टर एंड माइनस ऑफ c वेक्टर इक्वल टू 0 ये आंसर हां सर सही है सही है ठीक है यस सर सबको क्लियर है यस सर यस सर यस सर यस सर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सो चोजन दैट A vector plus B vector equals C vector. If the magnitude of B is doubled, magnitude of B vector is doubled, that is 2B vector, then A vector plus 2b vector is found to be perpendicular to A vector. Find the relation between A B and C magnitude को relate करना होगा ये थोड़ा डिफिकल्ट है
मैं करता हूँ, देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, देखो जो कंडीशंस दिया पहले उसको लिख रहे हैं, ए वेक्टर कोई है, देयर इज सम वेक्टर ए, देयर इज सम वेक्टर बी, सम वेक्टर बी एंड ए प्लस बी इज सी, दिस इज व्हाट दे हैव गिवन अस. ठीक है, उसके बाद दे हैव सेड दैट इफ यू आर डबलिंग बी, मतलब टू बी वेक्टर लिया आपने, तो कुछ ऐसा आ रहा है राइट, टू बी हो गया ना, ये टू बी हो गया, हाँ हाँ हो गया ना टू बी. अब ए प्लस टू बी बिकम्स दिस क्वांटिटी, यस सो दैट्स परपेंडिकुलर टू ए, टू बी एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू ए राइट, ये है राइट. अब एक चीज नोटिस करो, आप एक चीज नोटिस करो, इसमें सर्कल का एक प्रॉपर्टी यूज करो. देखो अगर ये वाला पॉइंट जो है, देखो मैं ब्लू डॉट से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इसको सेंटर की तरह इमेजिन करो, इसको सेंटर की तरह इमेजिन करो, ठीक है, दिस इज सेंटर. तो इसको सेंटर की तरह इमेजिन करोगे तो इधर से बी या इधर से बी, वो तो रेडियस की तरह मैच एक्ट कर रहा है ना, रेडियस. यस यस सर. और सर्कल का एक प्रॉपर्टी होता है ना, सर्कल के डायमीटर से आप सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे अगर आप यू नो एंगल मेजर करते हो तो वो एंगल 90 आता है या नहीं. यस ये प्रॉपर्टी आपको पता है सर्कल का, ये जैसे ये सर्कल है. यस हां हां सर. इफ दिस इज अ सर्कल, ये डायमीटर है. अब आप कहीं पे भी इसको कनेक्ट करो, कहीं पे भी. हां ये ऐसे क्या आपने, हां दैट पॉइंट विल बी 90, सो दिस हैज टू बी 90. आप कहीं पे भी करो, ये कहीं पे भी करोगे 90 आएगा. ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो देखो तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पे आ रहा है क्या. यस आ रहा है. यस सर. इसका मतलब, इसका मतलब कि हम यहाँ पे अगर इसको ऐसे सोचते, दिस वाज ए वेक्टर, दिस वाज बी वेक्टर, दिस वाज सी वेक्टर, राइट राइट, दिस वाज बी वेक्टर एंड दिस वाज A vector plus twice of B vector, right? हो गया ना? Yes sir. देखो तो A, B और C, मतलब A, B और C का तो magnitude पता चल गया आपको, दोनों same है, क्योंकि B और C देखो circle का circumference है, right? Sorry, circle के radius है. Radius है, radius है. So therefore clearly यहाँ से आपको पता चल गया कि B का magnitude is equal to C का magnitude. ये पता चल गया ना आपको? Right? दिख रही है आपको? ओह यस सर, यस सर. बट ए का, बट ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये आप रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ए बी और सी के बीच का एंगल आपको नहीं पता है ना, है ना? दिख रही है आपको? हाँ सर. सो बी और सी के एंगल सिंस नहीं पता है तो इसलिए आप ए का मैग्नीट्यूड को रिलेट नहीं कर सकते. हाँ, अगर वो एंगल ये वाला दे देते आपको, सपोज ये एंगल थीटा हो जाता, तब आप यहाँ पे एक ज्योमेट्री कंसीडर करके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते और उसके बाद फिर ये एंगल आपको थीटा बाई टू दिखता, ये भी एंगल आपको थीटा बाई टू दिखता, तो उसके बाद फिर आप यहाँ से दोनों तरफ से लेंथ आप मार्क कर सकते थे कि इधर से भी r sin थीटा बाई टू हो जाता, दिस वुड हैव बीन r sin थीटा बाई टू, r मतलब ये रेडियस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और इधर से भी आपका r sin थीटा बाई टू. हां यस सर. तो आप a की वैल्यू को क्या लिखते, a वुड बी ट्वाइस ऑफ b लिखो या a लिखो, इसी को हम r मान रहे हैं, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ r into sin ऑफ थीटा बाई टू, ये तो लिखते ना, समझ आ रही है आपको? हाँ यस सर. इससे सिंस sin थीटा बाई टू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वन, तो आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि a विल बी लेस देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r, राइट? है ना? अरे sin थीटा मान वन थी के छोटो है बाबा, ये तो बोझा पे. नॉट दिस वन. ज्योमेट्री. व्हिच वन? ज्योमेट्री. हाँ. इन दैट सर्कल. sin थीटा cos थीटा आपको नहीं, देखो एट अ राइट एंगल ट्रायंगल है तो के प्रोजेक्शन ने नीचे सीखी थी ना, आपको नहीं तो सिखा लाम. ये एंगल तो 90 माइनस थीटा बाय 2. एटा रेडियस, एटा रेडियस, এটা রেডিয়াস, সার্কেলের রেডিয়াস, তাহলে r cos θ/2, r sin θ/2, এটাই তো হবে. ওকে. বুঝেছিস? হ্যাঁ.
So I understood everything you just explained. Everything I understood. Only A is less than equals to 2R. I understood how you got A. A is equals to 2R sine theta by 2. It's simple. I got it from there. So A is less than equals to 2R. You got this from where you got this conclusion from? Sine theta ka maximum value kitna hota hai? Yes, sir. Sine theta ka maximum value kitna hota hai? 90, sir. Sine 91. One over here. So 2 into 2R into 1 kitna hota hai? Achha, yeah, sorry sir. I got it. So R was B or C either way. So isko aap likh sakte the ki, you know, ye 2R jo likha humne isko. We could have written this as twice of B or isko twice of C bhi likh sakte the. Right. Aapko bas itna pata chal jayega ki A will be less than or equal to twice of B. And A will be less than or equal to twice of C, but itna hi likh sakte hain. So this is one condition. This is one condition ki B and C ka magnitude same hai. And the other condition is A has to be less than twice of B and A has to be less than twice of C. Yes, sir. ठीक है? समझ आ गई सभी को? हाँ सर. सर बोल रहे थे a less than 2b होना चाहिए, equal to तो नहीं हो सकता, theta 180 हो जाएगा फिर? theta अगर आपका 180 हो जाएगा तब mod c equals to mod of a plus 2b हो जाएगा, एक और relation आ जाएगा. theta अगर हमने 180 कर दिया, theta अगर 180 किया तो b और c एकदम बिल्कुल anti parallel हो जाएंगे. तो a plus b तो वो क्यों नहीं हो सकता है? इक्वल टू क्यों नहीं हो सकता है? मतलब अगर मैं ऐसा ही चूज कर लूं, इस डायमीटर के अलोंग ही चूज कर लूं, हां क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? अगर यहां पे ऐसा चूज कर रहे हैं आप ए, यू नो, इसको बी चूज कर रहे हैं और ए को आप ऐसा चूज कर रहे हैं, ऐसा चूज कर रहे हैं, अच्छा नहीं, तब परपेंडिकुलर नहीं होगा. सही कह रहे हैं, तब परपेंडिकुलर वाला कंडीशन नहीं आएगा, कि जिसमें हम कह रहे थे कि ए विल बी परपेंडिकुलर टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस 2b, वो नहीं आएगा. सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं बेटा, वो नहीं आएगा, वो परपेंडिकुलर वाला कंडीशन नहीं मीट करेगा, बाकी सब कुछ मीट कर जाएगा. सही कह रहे हैं, तो उसको सुधार देते हैं. यहाँ पे सिंस परपेंडिकुलर वाला कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है, तो यहाँ से आप इक्वल टू वाला कंडीशन नहीं ले सकते, ये इक्वलिटी नहीं आएगा. ठीक है, नहीं सही कह रहे हैं आप बेटा, वो चीज अच्छी चीज उसने पॉइंट किया, आपने समझी है वो चीज? If theta becomes 180, then they become anti-parallel, no? Anti-parallel. हाँ, एक orientation जो होगा वो बिल्कुल मतलब वो diametric end पे चला जाएगा, है ना? हाँ हाँ. तो उसके तो 90 होने का कोई सवाल ही नहीं है, फिर 90 degree आएगा नहीं कभी. Right. ठीक है, 90 degree कभी आएगा. ठीक है. चलो, इधर वेक्टर एडिशन से रिलेटेड आपको काफी चीजें समझाई. एक और चीज, अच्छा एक और अच्छा एग्जांपल देखते हैं, एक लास्ट चीज इसमें देखते हैं. अ पार्टिकल मुझे स्कैनर मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड वी अलोंग द सर्कमफेरेंस of a circle. Find the following when it has deflected through angle theta with respect to center. With respect to center, दो चीजें आपको निकालनी है. पहला magnitude of change in velocity. Magnitude of change in velocity. And the second is change in magnitude of velocity. आप क्वेश्चन को पहले डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो. क्वेश्चन का मतलब क्या है? पहले क्वांटिटी में वो बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब पहले आपको क्या करना है, वेलोसिटी का चेंज निकालना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है.
मतलब वेक्टर डिफरेंस लेना है फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. दूसरे में उसने बोला है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो पहले ही मैग्नीट्यूड निकालो वेलोसिटी का कितना है और उसमें चेक करो चेंज कितना है. तो सेकंड पार्ट का आंसर तो श्योर है जीरो होगा, होगा नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि उसने ऑलरेडी कह रखा है कि कांस्टेंट स्पीड इज कांस्टेंट. राइट, उसने ऑलरेडी कह रखा है हाँ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यस यस कांस्टेंट स्पीड सो जीरो, सेकंड इज जीरो, यस सर. सो सेकंड वाले पार्ट का श्योर हो गया हम लोग जीरो है, ठीक है ना. स्पीड इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड, स्पीड एंड स्पीड इज कांस्टेंट गिवन, राइट, ये गिवन है. सो देयरफॉर अगर आपको ऐसा लिखना है डेल्टा वी, डेल्टा मतलब चेंज है, तो डेल्टा वी क्या आएगा, जीरो आएगा. गॉट इट, हाँ सर, हाँ सर. अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. फर्स्ट पार्ट इज अ बेटर क्वेश्चन. तो क्वेश्चन उसने ऐसे कह रखा, जैसे आपको क्या करना है, आप एक सर्कल कंसीडर करो और इस सर्कल पे मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा बेटर एनालाइज कर पाएंगे. इमेजिन करो कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी वी वन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे टर्न कर गया है और इसका वेलोसिटी यहाँ पे वी टू हो चुका है, ठीक है. This angle over here is theta. अगर radius theta से turn किया तो tangent भी theta से turn कर जाएगा. है ना? So देखो, right. ये वाली जो angle होगी, ये भी वापस से आपके theta आएगी, ठीक है? अब देखो, जब हमको बोलते हैं कि change in velocity निकालनी है, delta v vector बोल रहे हैं वो, तो delta v vector मतलब क्या हुआ? Final velocity minus initial velocity, right? This is negative of v1 vector, ठीक है? इसका magnitude भी क्या v है ना? क्योंकि constant speed है ना? Right? हाँ हाँ हाँ. Yes. And v2 जो है वो कुछ ऐसा है. This is v2 vector. इसका भी magnitude v है या नहीं है? Yes sir. Constant speed ना? It's mentioned constant. Constant speed है. तो दो vector का आपको resultant निकालना है और दो vector के बीच का दोनों vector equal magnitude का है. तो आपको याद है रिजल्टेंट बाईसेक्टर पे cos थीटा / 2 हां यस यस दिस थीटा इज ओवर हियर बट यू डोंट नीड दिस थीटा यू नीड दिस थीटा इधर वाला थीटा राइट व्हिच इज 180 माइनस थीटा तो 180 माइनस थीटा का बाईसेक्टर लेना पड़ेगा आपको cos तो वी sin थीटा / 2 तो ये आएगा दिस विल बी द मैग्नीट्यूड सो ये आपका चेंज इन वेलोसिटी हो गया तो इधर से एंगल बिकम्स 90 माइनस थीटा / 2 एंड इधर से भी एंगल बिकम्स 90 माइनस थीटा / 2 तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी हमने लिखा है सो देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिस विल बी 2v cos ऑफ 90 माइनस थीटा / 2 व्हिच इज बेसिकली 2v इनटू sin ऑफ थीटा / 2 गॉट इट यस सर यस सर यस सर ठीक है आप एक डिफरेंस समझने की कोशिश करो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस जैसे कोई अगर बोले डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बोले डेल्टा v क्या ये दोनों सेम चीज है दे आर नॉट द सेम थिंग क्योंकि डेल्टा v से बोल रहे हैं जब डेल्टा v क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो डेल्टा v मतलब चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन स्पीड और डेल्टा v वेक्टर में जब आपने बोला है डेल्टा v वेक्टर इसका मतलब पहले वेलोसिटी का डिफरेंस निकालो वेक्टर डिफरेंस और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड चेक करो कितना है गेटिंग द आइडिया यस सर सो कैन यू जस्ट रिपीट दिस पॉइंट अगेन प्लीज लेट मी ड्रिंक वाटर Amar, I think you're able to understand but you want to listen to this every time So, no. I think you are understanding, but you want this to be repeated twice or thrice every time. ऐसा क्यों है? No, sir. Nothing like. मैं शुरू आपको समझा गया.
Yes, sir. No, I understood everything you taught about 2V sine theta by 2. Just this part I had, I lost focus. This is what I got. What is this? Delta V is equal to 0. So no, what is it? What does delta V indicate? So the change in velocity, sir. Change in velocity, is this change in velocity? This is the change in speed. Change in magnitude of velocity. Yes, change in magnitude of velocity. This is change in speed. Change in speed. यहाँ पे v के ऊपर vector तो नहीं लगा हुआ है. और vector नहीं लगा तो direction क्यों लेंगे हम? Yes, sir. ये change in speed है. और यहाँ जो delta v vector लिखा है ये क्या है? Change in velocity है. Change in velocity. दोनों अलग अलग चीजें हैं. Oh, right, sir. समझ आ रही है सबको? Yes, sir. एक एक वर्बली करके देखते हैं, ठीक है? आप पेन मत चलाओ, सुनो सिर्फ. मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है? सुन रहे हैं आप सभी? Yes, sir. हाँ, सर. 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है. थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ कि वो 10 मीटर पर सेकंड वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है? Yes, sir. तो उसका वेलोसिटी का चेंज किस कितने मैग्नीट्यूड का हुआ है और कितने डायरेक्शन में हुआ है, किस डायरेक्शन में? मैग्नीट्यूड में जीरो, डायरेक्शन में हुआ है. ओहो, चेंज इन वेलोसिटी क्या जीरो है मैग्नीट्यूड में? नो सर, देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन सर. मैग्नीट्यूड इज द सेम, देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन. हां, सो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? ओहो, what is the change in velocity in magnitude? Magnitude बताओ, change in velocity का कितना है? 10 root 2. That's it, 10 root 2. दो वेक्टर mutually perpendicular हैं. एक है, एक मैंने आपको बोला west की तरफ और एक बोला north की तरफ. तो final मैंने initial करते हैं. तो initial वाला north था तो उसको revert करोगे south हो जाएगा. तो एक है south में 10 meter per second और एक है west में 10 meter per second. तो इन दोनों का result कितना आएगा? 10 root 2. Yes. और डायरेक्शन क्या आ रहा है? साउथ वेस्ट दिख रहा है आपको? चलो, ये हमने एक सेक्शन अपना कवर कर लिया है. अभी हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव करते हैं. वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में आपको दो पढ़ने, एक स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, एक स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं जिसको, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट. पहले डॉट प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं. So what you do is, जैसे आपको मान लो कि नो दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, let us say दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं. आपको एक वेक्टर a दिया हुआ है यहाँ पे and दूसरा वेक्टर b भी दिया हुआ है, ठीक है? You have two vectors over here और इन दोनों के बीच का मान लो एंगल थीटा दिया हुआ है. तो जब भी आपको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हो उसको, a vector dot b vector. And इसको लिखते हो आप, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, a into b into cos theta. अब जब आप ab cos theta लिखते हो, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो थोड़ा समझने की कोशिश करो. दिस इज रिटन एज a into b cos theta, ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फिर इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, this is a cos theta into b, ऐसा लिख सकते हैं, right? Yes sir. ठीक है बेटा, एक मिनट. अब इस डायग्राम को थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, मतलब a cos theta या b cos theta क्या है. अगर मैं आपसे पूछूं b का कंपोनेंट a के डायरेक्शन में कितना है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a, तो आप क्या करते हैं? b cos theta. गुड, सो दिस वुड बी b cos theta. क्या हम इसको कह सकते हैं दिस इज b पैरेलल? b पैरेलल मतलब कंपोनेंट ऑफ b व्हिच इज पैरेलल टू a, कह सकते हैं ना, राइट? यस सर. सिमिलर तरीके से अगर आपको कोई बोलता है a का कंपोनेंट b पे, लो a का कंपोनेंट b पे, तो इस बार आप यहां पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर, तो देखो तो ये वाला लेंथ जो आता है, ये वाला लेंथ,
क्या ये लेंथ ए कॉस थीटा होता है? और इसको हम लिख सकते थे दिस वाज ए पैरेलल. ए पैरेलल मतलब कंपोनेंट ऑफ ए व्हिच इज पैरेलल टू बी. मतलब जब भी आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो ना, जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आप क्या करते हो ना, दोनों वेक्टर्स का जो सिमिलर डायरेक्शन का कंपोनेंट है उन दोनों को बेसिकली आप मल्टीप्लाई करते हो और कुछ नहीं है. तो जैसे ए और बी का जो सिमिलर डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो क्या है, आप किसी एक तरफ से निकाल लो. जैसे ए का डायरेक्शन को आपने फिक्स माना तो अब बी का उसके डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या था, बी कॉस थीटा. तो ए के साथ बी कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करना, दैट विल बी द आंसर. उल्टा भी कर सकते थे आप, ए का कंपोनेंट बी की तरफ ले सकते थे और उसके बाद फिर बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर सकते थे. समझ आई? So what you do is, whenever you are doing A vector dot B vector, so what you are doing is, component of A, component of A in the direction of B, multiplied with magnitude of B. Samajh aaya aapko? ठीक है, यही करना है. उल्टा भी बोल सकते हैं आप, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड विद मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ठीक है, ये आपको इनडायरेक्टली अगर किसी ने डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू सपोजिटली, जैसे आपको डॉट प्रोडक्ट में से ऑलरेडी दिख रहा है कि cos थीटा का वैल्यू आ रहा है, तो cos थीटा तो आपको पता है ना, cos थीटा यू नो cos थीटा की वैल्यू अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होती है, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो इससे तो आपको पता चलता है कि cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. अगर cos थीटा पॉजिटिव था तो ए डॉट बी ये क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी. तो डॉट प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो समझ जाओ दोनों के बीच में एंगल क्या है, एक्यूट है. बट यही अगर थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, तो इस केस में आपका सेकंड क्वाड्रेंट मतलब cos थीटा क्या आएगा, नेगेटिव. और इससे आप पता करोगे कि ये बेसिकली ए डॉट बी बेसिकली आपकी नेगेटिव आएगी. तो डॉट प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आती है पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है कि एंगल, अगर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है इसका मतलब एंगल ऑब्ट्यूज है, और अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आती है इसका मतलब एंगल क्या है, एक्यूट है. ठीक है? ठीक है. यस सर. अब एक चीज देखो, एक चीज देखो, अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तब डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, cos 90 तो जीरो हो जाएगा ना. हां, तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब cos ऑफ 90 डिग्री ये तो जीरो हो जाएगा. इसका मतलब कि इस केस में अब आप ये कह सकते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसको हम हमेशा याद रखते हैं. जब भी दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का कंडीशन अगर पूछते हैं ना, जब भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का कंडीशन पूछते हैं आपसे, तो एक चीज आप श्योर होकर कह सकते हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. समझ आ रही है? Yes, जैसे आपको एक चीज अगर याद हो, कि मैग्नेटिक फोर्सेज में आपको याद है मैग्नेटिक फोर्सेज वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होते हैं, याद है आपको? तो सपोजिटली आपको एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हो और मैंने आपको उसका फोर्स दे दिया है. ठीक है, फोर्स कितना है, मैग्नेटिक फोर्स, और आपको वेलोसिटी भी दे दिया है, और उसमें से यू नो सपोजिटली यू नो जैसे वेलोसिटी का वैल्यू आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दे दिया, फोर्स का वैल्यू भी आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दे दिया, बट कोई एक क्वांटिटी अननोन रहने दिया, आई जे के में किसी एक को अननोन रहने दिया है, और बोला उसका वैल्यू बताओ कितना होगा, तो आपको क्या करना था, बस उसका डॉट प्रोडक्ट कोई डॉट जीरो. समझ आ रही है? So whenever two vectors are mutually perpendicular, remember that the dot product of the value, मतलब जो vectors हैं, dot product उन दोनों का हमेशा zero होना चाहिए. समझ आ रही है? Yes sir. Yes sir. ठीक है? Okay. इसमें देखो, अगर मान लो कि अगर आपको vector form में दिया हुआ है, अगर a vector मान लो आपको ऐसे दिया हुआ है, if a vector is supposedly ax I cap plus ay j cap and plus az k cap and b वेक्टर भी आपको दिया हुआ है, दिस इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप एंड प्लस बी जेड के कैप, देन अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो क्या लिखोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है. अब सोच के देखो, अब ए एक्स बी एक्स के साथ आई डॉट आई होगा, है ना? अगर आप आई डॉट आई करते हो मतलब वन इंटू वन कॉस जीरो लिखते हो, इससे क्या मिलेगा आपको, ए एक्स बी एक्स मिलेगा, राइट? फिर आप जब आप ax ax by वाला टर्म लोगे, ax by वाला टर्म मतलब इधर से इधर 90 डिग्री, 0 0 0 बिकॉज़ ऑफ i dot j सर, दैट्स i dot j दैट बिकम्स 0 0 मतलब तरीके से इसका भी करोगे i dot k करोगे तब भी 0 आएगा, हां वो भी 0. फिर जब आप ay और bx का करोगे तब भी 0 0 0 यस सर, बट ay और by को तो 0 नहीं आएगा,
J dot G is one. So this becomes A Y B Y, right? And similar तरीके से last में आपका A Z B Z. ठीक है, तो अगर आपको A vector और B vector दिए हैं component form में, तो आप A dot B ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है? A X B X, A Y B Y, A Z B Z. इसमें आप I cap J cap K cap मत कर देना, क्योंकि ये scalar quantity है. इससे सिर्फ और सिर्फ आपको एक number मिलेगा. So you'll just get a number, ठीक है? इससे आपको you know just positive negative कुछ भी हो सकता है, बस number मिलेगा आपको. अब देखो, you know, अगर आपसे कोई पूछे कि you know कि dot product का utility क्या है, what is the use of dot product? तो इसका यूसेज दो है. एक तो होगा कि आप ए और बी के बीच का एंगल अपनी तुरंत से निकाल सकते हैं इसमें. जैसे सोच के देखो, यूटिलिटी में अगर आपको ए डॉट बी पता चल चुका है, देखो लास्ट लाइन देखो अपना, अगर ए डॉट बी पता चल चुका है तो क्या मैं इसका ए से और बी से डिवाइड करके क्या मैं कॉस थीटा निकाल सकता है? नहीं. पहला एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स. अभी कैसे निकालेंगे आप? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, एंड देयरफॉर कॉस थीटा का वैल्यू विल बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय ए बी. ठीक है, अभी सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है काफी. ये बेसिकली एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे के डायरेक्शन में निकालने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स अस फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर, एक वेक्टर जैसे ए मान लेते हैं, ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर. अनदर वेक्टर यहां पे हमारे लिए वो बी वेक्टर है. ठीक है, अब कैसे करेंगे सोचो, इसी डायग्राम में सोचो, इस डायग्राम में सोचो, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्या है? ए कॉस थीटा है ना? हाँ. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जो व्हाट आई रिक्वायर इज बेसिकली ए पैरेलल व्हिच इज ए कॉस थीटा एंड दिस विल बी ए बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय बी, राइट? हाँ. तो कैन आई राइट दिस एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी? यस. हो गया. तो मतलब आपको डॉट प्रोडक्ट, न्यूमरेटर देखो इसका क्या है, डॉट प्रोडक्ट है. तो अपने ए डॉट बी करके पहले वैल्यू निकाला, उसके बाद फिर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो आपको ए का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्या मिल गया? बी मिल गया. समझ आई आपको? यस सर. ठीक है, बट ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में है. अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोले, अगर सपोजली वो बोल रहे आपको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, सो देयरफॉर वेक्टर कंपोनेंट अगर लिखेंगे, वेक्टर ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सो वेक्टर कंपोनेंट of a vector in the direction of b vector. अब ये लिखना है आपको, तो कैसे लिखोगे आप? अब आप a parallel vector लिखोगे, और a parallel vector लिखा मतलब a parallel है और किसके direction में? b के direction में. तो b cap लिख लेंगे. समझ आया आपको? हाँ हाँ. तो इसको कैसे लिखोगे आप? This will be a dot b divided by b and this multiplied with b vector divided by magnitude of b vector. समझ आई? हाँ सर. No sir, I didn't understand this part. कौन सा नहीं समझा आपने? This last part, so what you've written into b cap sir. Just one second sir. Vector component of a in the direction of b. डायरेक्शन को आप कैसे दिखाते हो बताओ मुझे? यूनिट वेक्टर से तो दिखाते हो. यूजिंग यूनिट वेक्टर. यस सर. सो वही तो किया है मैंने. डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड. बी का डायरेक्शन मतलब क्या हुआ? बी कैप ही तो हुआ. बी कैप. यस सर. यस सर. ओके. अरे तुमको अगर बोले 5 न्यूटन एक्स एक्सिस के अलोंग लो तो क्या लिखोगे? 5 आई कैप नहीं लिखोगे? 5 आई कैप. यस सर. यस सर. तो इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर बोल रहे तो बी कैप नहीं लिखेंगे क्या? यस सर. समझ आ गई सबको? यस सर. हां सर. यस सर. यस सर. इसका यूटिलिटी आपने सबसे ज्यादा कहां पढ़ा होगा? जैसे वर्क निकालने में. वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करते हैं ना? हां ना, राइट? तो वहां पे आप उसको. हां सर. वो सब खैर अभी दूर की बात है, अभी हम लोग वहां पे तो नहीं पहुंचे. अभी बस मैं आपको डेफिनेशन बताया कि क्या मतलब है इसका. ओके, अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे.
आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो फिर से देखो, हमारे पास फिर से दो वेक्टर्स हैं. मैं वैसे ही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो. सो लेट अस से दिस इज ए वेक्टर, से दिस इज बी वेक्टर. ठीक है, दो वेक्टर हमने चूज कर लिए और इनके बीच का एंगल फिर से हमें थीटा दिया हुआ है और मुझे पूछा है कि ए क्रॉस बी निकालना है. नाउ व्हेन यू आर फाइंडिंग, ध्यान से सुनना ठीक है, व्हेन यू आर फाइंडिंग ए क्रॉस बी, व्हाट यू डू इज, ए किसका मैग्नीट्यूड होता है तो उसको आप ए बी साइन थीटा से लिखते हो और इसका एक डायरेक्शन भी होता है जिसको आप एन कैप से इंडिकेट करते हो. ठीक है, एक एक करके दोनों का मतलब बताता हूं. पहले ए बी साइन थीटा पे आते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर ए क्रॉस बी आपसे पूछे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितनी है तो आप ये बोलेंगे ए बी साइन थीटा है. ठीक है, दिस इज ए बी इंटू साइन थीटा. अब इस केस में जब आप ए बी साइन थीटा ले रहे हो तो इस केस में आपको ये इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, दिस इज ए इंटू बी साइन थीटा भी लिख सकते हो या फिर इसको ए साइन थीटा इंटू बी भी लिख सकते हो. लिख सकते हो? यस सर. यस सर. अब देखो, अगर मैं इसका कंपोनेंट ब्रेक करूं, बी का कंपोनेंट ए के परपेंडिकुलर ब्रेक करें, ठीक है, तो क्या आएगा? देखो तो क्या ये बी साइन थीटा आएगा क्या? साइन थीटा राइट आएगा. यस हां सर. तो इसको क्या ये कह सकते हैं, दिस इज कंपोनेंट ऑफ बी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए. लिख सकते हैं ना, इसको बी परपेंडिकुलर लिख रहे हैं. गेटिंग इट? हां सर. आप उल्टा भी कर सकते थे, मतलब आप ए का कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर ले सकते थे. हां यस सर. ये देखो तो ये वाली जो लाइन की लेंथ है ये हो जाएगी आपकी ए साइन थीटा एंड दिस विल बी ए परपेंडिकुलर. ए परपेंडिकुलर मतलब कंपोनेंट ऑफ ए व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बी. गेटिंग इट? ठीक है सर. तो जब आप देखो, जैसे डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको समझाया कि डॉट प्रोडक्ट जब आप करते हो तो जो सिमिलर डायरेक्शन के कंपोनेंट होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट में जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं. समझ आ रही है आपको? एक बेसिक डिफरेंस. हां सर. डॉट प्रोडक्ट में जो पैरेलल डायरेक्शन वाले कंपोनेंट से उनको मल्टीप्लाई किया था, बट जबकि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आप उसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं. ये बेसिक डिफरेंस है. ठीक है, ये तो हुआ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए. ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करते हैं. यहाँ पे जो एन कैप हमने दिखाया था, यहाँ जो एन कैप हमने दिखाया, हियर जो एन कैप दिखाया, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड इट्स एग्जैक्ट डायरेक्शन, एग्जैक्ट डायरेक्शन is found out using right hand curl rule. Right hand curl rule, where we place the fingers of right hand on the first vector and curl them towards second vector, towards second vector, and hence the stretched thumb gives us the direction of n cap. अब इसको समझाने के लिए जैसे एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखाता हूँ. एक जस्ट थोड़ा सा वेट करिए, मुझे एक बार रीअरेंज कर लेने दीजिए. देखो जरा,
अच्छा इसको इधर इसको दिखाता हूँ, ये चेक करो आपको दिख रहा है, जैसे देखो इसमें राइट हैंड कर्ल रूल में देखो आपको क्या किया उसने, इसका पहले ये जो थंब था देखो पहले क्या होगा, इसका थंब कुछ ऐसा रहा होगा, उसको अपने सॉरी उसको अपने फिंगर्स को क्या करना है, पहले उसको फर्स्ट वेक्टर की तरफ पॉइंट करके रखना है, तो उसके फिंगर्स जो रहेंगे वो कुछ ऐसे रहेंगे, है ना, ऐसे रहोगा। तो ये देखो फिंगर्स उसका जो है फर्स्ट वेक्टर की तरफ पॉइंट कर रहा है, उसके बाद उसने क्या किया अपने फिंगर्स को कर्ल किया सेकंड वेक्टर की तरफ, और जो थंब पॉइंट कर रहा है देखो वो क्या है, एन कैप का डायरेक्शन है, आपको दिख रहा है, समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। Getting it ना? Yes. Yes sir. Yes sir. देखो इस डायग्राम सेकंड डायग्राम में भी देखो, सेकंड डायग्राम में भी उसी को लिखने का बेसिकली अलग तरीका दिखा रखा है यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले डायग्राम में देखो ऑब्जर्वर जो है वो पाम की तरफ है इसलिए उसको पाम दिख रहा है, सेकेंड वाला डायग्राम भी सेम ही है बट उसमें क्या है कि ऑब्जर्वर जो है वो पाम के पीछे की तरफ है, तो उसके हाथ जो खुले हुए होंगे पहले अगर खुले होते हैं हाथ तो कुछ ऐसे दिखते आपको, दिखते ना ऐसे सर, और उसके बाद फिर देखो बी की तरफ टर्न कर रहे हैं तो उसके बाद फिर क्या हो गया, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है, अगर ये आप बी क्रॉस ए करते तो आपको अपने पाम को खोल के आपको किधर रखना पड़ता, आपको बी की तरफ रखना पड़ता, यू वुड हैव स्ट्रेच्ड योर पाम टुवर्ड्स बी, गेटिंग इट? यस सर। और उसके बाद फिर बी से ए की तरफ आप फिंगर्स कर्ल करते तो जो थंब होता उसका डायरेक्शन बेसिकली क्या होता आपका, ए क्रॉस बी सॉरी बी क्रॉस ए का डायरेक्शन होता, समझ आ रही है? हाँ सर। तो इससे एक चीज आपको समझ आनी चाहिए, देखो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन उल्टा आएगा नहीं आएगा, है ना, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जैसे ऊपर की तरफ दिख रहा है बट बी क्रॉस ए का डायरेक्शन तो नीचे दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया, तो इसका डायरेक्शन जो है बेसिकली अलग हो जाता है, ए क्रॉस बी इज नॉट सेम एज बी क्रॉस ए, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अलग है बट हाँ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। बहुत लोग इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड का यू नो राइट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच करके भी करते हैं, जैसे ये वाला डायग्राम देखो, इस डायग्राम में इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर इन दोनों को क्या करते हैं फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर की तरह ले लेते हैं, और जो थंब होता है वो थंब बेसिकली आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देता है, आप देखो ये भी राइट हैंड कर्ल रूल से करोगे तो भी वही आएगा, देखो अपने फिंगर्स को अपने राइट हैंड के फिंगर्स को आप ए वेक्टर की तरफ रखो और बी की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, देखो थंब उधर ही आएगा जिधर उसका आया है, आ रहा है? Yes, yes. दिख रही है ना आपको सबको? Yes, sir. ठीक है, तो इस चीज का आपको समझ आना चाहिए कि आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है, तो ए क्रॉस बी में एक पार्ट तो है मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लेंगे ए बी साइन थीटा करके, बट डायरेक्शन निकालने के लिए आपको राइट हैंड कर्ल रूल यूज करना ही ध्यान रखना, तो ए क्रॉस बी में जो डायरेक्शन आ रही है एन कैप की वो परपेंडिकुलर टू बी प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। Got it? Yes, sir. Hello, sir. মাল্টিপ্লাই করতে হয় ডট প্রোডাক্টে আর এখানে মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্ট মাল্টিপ্লাই করতে হয়, দেখ ডায়াগ্রামে কি আছে পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্টটা নিয়েছি এখানে আর ডট প্রোডাক্টাল কম্পোনেন্টটা নিয়েছিলাম ওর পাশে যে কম্পোনেন্ট আছে সেটা অ্যালং দা কম্পোনেন্ট আর আর পহলা वाला तो एक स्केल ऑफ क्वांटिटी है दूसरा वाला वेक्टर है है नहीं है हां पहला वाला स्केलर है दूसरा वाला वेक्टर है या नहीं है हां सर हां सर व्हिच इज एक बेसिक डिफरेंस है यू नो कि एक स्केलर है एक वेक्टर है हां ठीक है सर अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है जैसे जैसे अगर मान लो कि आपको एक सिचुएशन दे रखा है एक चीज इंपॉर्टेंट देखो एक सपोजिटली आप ऐसा करते हो मान लो ए क्रॉस बी किया आपने और इसके साथ आपने ए का डॉट प्रोडक्ट कर दिया कितना जीरो जीरो हाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा ना क्योंकि a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b राइट तो अगर a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b
आपने उसके साथ अगर a का डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा नहीं मिलेगा? जीरो. यस सर. दैट्स इट. ठीक है. रीजन बीइंग a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर. ठीक है. ओके. अगर कोई इसने ऐसे बोला a क्रॉस b डॉटेड विद 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, अभी2a plus 3b, 2a vector plus 3b vector, this is in the plane of a vector, and this is perpendicular to a vector and b vector. तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट तो जीरो आना ही है ना, समझ आ रही है? ठीक है. अब जैसे क्या क्या सर, टिल व्हाट टाइम विल दिस क्लास बी कंटिन्यूइंग सर? बस अभी 5 मिनट में खत्म करते हैं बेटा. अच्छा अच्छा ठीक है, 5 मिनट में खत्म करते हैं. अगर मान लो आपके पास a वेक्टर, आपको दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड प्लस ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर भी आपको दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप एंड प्लस बी जेड के कैप, ये दिया हुआ है. तो इस केस में अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट इनका निकालना है, देन अगर आपको ए क्रॉस बी निकालनी है तो आप क्या करेंगे इसके लिए? आप इस केस में आई जे और के इनको ना तीनों कंपोनेंट को डिटरमिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेना. ठीक है, आई कैप जे कैप एंड के कैप, एंड फिर यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड, यहाँ पे बी एक्स बी वाई एंड बी जेड. और इस डिटरमिनेंट को तोड़ना आता है आपको? यस सर. हाँ सर. प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है ना? हाँ हाँ. तो क्या लिखेंगे? हाँ सर. यस सर. आई कैप के साथ दिस विल बी ए वाई बी जेड माइनस ऑफ ए जेड बी वाई, फिर माइनस ऑफ जे कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई. यस सर. ए एक्स बी वाई माइनस ऑफ ए वाई बी एक्स एंड प्लस के कैप के साथ दिस विल बी ए एक्स बी वाई एक्स बी जेड माइनस ऑफ ए वाई. अच्छा कुछ गलत लिखा है क्या? J cap into AX BZ. AX BZ. AX BZ. अच्छा अच्छा मैं हाँ ओहो ठीक है 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 ठीक है. तो मैग्नीट्यूड मिल गया इसका, मतलब ये वेक्टर फॉर्म में मिल गया. अब तो मैग्नीट्यूड निकाल ही सकते हैं रूट अंडर करके, है ना? हां सर. निकाल पाएंगे? अब देखो एक चीज, देखो एक चीज और याद रखना आप इसमें, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जो आई जे के जो हम बोलते हैं ना, ये बेसिकली एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करता है. साइक्लिक ऑर्डर कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए आप जे कैप, एंड जेड एक्सिस के लिए आप के कैप यूज कर रहे हो. तो x से जब आप y की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करते हो ना, तो आपको z एक्सिस मिलना चाहिए. जब आप y j से k की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करते हो तो आपको i कैप मिलना चाहिए. और फिर मतलब ये बेसिकली एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करता है कि i से जब हम j का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इससे k मिलना चाहिए. जब आप j से k का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे इससे i मिलना चाहिए. और जब आप k से i का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपसे j मिलना चाहिए. समझ आ रही है? इसका उल्टा भी हो जाएगा. अगर आप j क्रॉस i करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस k. माइनस माइनस k कैप. अगर आप k क्रॉस j करोगे तो माइनस i. माइनस i. और अगर आप i क्रॉस k करोगे तो माइनस j. माइनस. देखो i और मतलब कोई भी, देखो अगर किसी ने आपको सोचो ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखा रखा है, इमेजिन करो ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखा रहे हैं, supposedly ऐसा coordinate axis दिखाया आपको, ये x axis है या ऐसे कर लेते हैं इसको y axis और इसको z axis, ठीक है? तीनों mutually perpendicular हैं. क्या ऐसा coordinate axis हम choose कर सकते हैं? नहीं कर सकते.
नहीं कर सकते ध्यान से देखो ध्यान से देखो आप x एक्सिस से y एक्सिस की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो देखो क्या z एक्सिस की तरफ आ रहा है ओ नहीं 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 अगर आप एक्सिस नोटिस करोगे देखो x देखो i क्रॉस j जो आ रहा है देखो ये किस तरफ आ रहा है दिख रहा है आपको यस माइनस इधर दिखा रखा है इसका मतलब ये तो गलत है ना ये नहीं हो सकता समझ आई आपको हां सर तो z एक्सिस आपका किधर होता है वो z एक्सिस आपका इस तरफ होता है समझ आई आपको ठीक है इसको कहते हैं हम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करते हैं मतलब राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कि अपने राइट हैंड से अगर हम फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो उस केस में बेसिकली x क्रॉस y करने से हमें z मिलना चाहिए ठीक है ठीक है एक छोटा सा यूटिलिटी बता देता हूं आपको क्रॉस प्रोडक्ट का फिर आज का क्लास खत्म कर देते हैं ठीक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ये हमारा a वेक्टर है और ये हमारी b वेक्टर है ठीक है मैं बोल रहा हूँ इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करो आप पैरेललोग्राम कंप्लीट किया आपने ये पैरेललोग्राम हमने बनाया और अब मैंने बोला कि इस पैरेललोग्राम का आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे आप यहाँ पे अगर एक ऐसा एक दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दो दोनों ट्राइंगल देखो तो इक्वल एरिया का है क्या हाँ सर अब ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया तो ये जो ट्रायंगल का हाइट आएगा ये बी साइन थीटा हो जाएगा यस सर हाँ और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हाफ इनटू बेस इनटू हाइट तो अगर आपसे कोई पूछे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये निकालनी है आपको तो इसको कैसे लिखोगे आप दिस विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप ट्वाइस half of base which is a into height which is b sin theta likhoge nahi likhoge half of to kat gaya kya raha dekho ab sin theta and ab sin theta kya hai magnitude of a cross b hai ya nahi hai iska matlab ki do vectors ko leke jab aap ek parallelogram banate ho aur uska cross product ka magnitude find out karte ho to you are basically finding out the area of the parallelogram formed by taking the two vectors as the sides of the parallelogram ठीक है सो देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स अस द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय टेकिंग द टू गिवन वेक्टर्स as sides of parallelogram. समझ आई सभी को? हाँ सर. Yes. और ये आगे जो three dimensional जो diagram टे बोल चला ना उटा एक बार बोलूँ ना.